आवाज़ आ रही बच्चों? आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म कर बेटा, आवाज़ आ रही है? ओके ओके ओके। हाँ, आज तो बेटा बड़ा ही खुशी का दिन है। आज तो ईद है और सभी बच्चों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ईद की, ईद मुबारक। और आज हम लोग वर्चुअल सिवाई भी खाएंगे भाई, सब बच्चों के घर जाके, है ना? ये सही रहेगा। हाँ, सबसे पहले हम लोग हैदर के घर चलेंगे और वहाँ पे खाएंगे। आज ये बच्चे तो क्लास मुझे लगता मुश्किल है कर पाएंगे। हाँ, लेकिन चलो वो लोग अपना देख लेंगे वीडियो। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से मोमेंट ऑफ इनर्सिया को हमने पढ़ाया है, कम से कम 8 से 9 लेक्चर में, 7-8 लेक्चर में तो पढ़ाया ही गया है, और एक एक पॉइंट को कवर किया गया है। बस यहाँ पे उन चीज़ों को देख लेना है और एक बार फिर से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना है कि कहीं आप भूल तो नहीं गए हैं। और जिन बच्चों ने भी एक बार भी उसको अच्छे से कंसंट्रेट होकर देख लिया होगा तो शायद उनको भूला नहीं होगा, और जिस तरीके से टेस्ट में वो लोग कर रहे हैं तो उससे लगता है कि नहीं, भूले नहीं हैं, मैक्सिमम बच्चों को चीज़ें याद हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया। इसके बाद बेटा इसमें और भी जितने पार्ट हैं हम लोग उसको देखते हैं कि एक पार्ट का क्या बन सकता है। शॉर्ट में ही ब्रीफ करना है, इसीलिए बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, फार्मूले का कोई डेरिवेशन नहीं करना है, हम लोगों को डायरेक्ट चलना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया। सभी बच्चों को पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो होता है वो मास ऑफ पार्टिकल, यानी इनर्सिया का मतलब ही है बेटा कोई चीज़ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। चैप्टर का ही नाम रोटेशन है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें कहानी में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका डिफिनीशन सारे बच्चों को पता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहाँ पे मास पार्टिकल होता है उसके डिस्टेंस का स्क्वायर किया जाता है और मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और ऐसे जितने भी मास होते हैं सबका हम लोग समेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है, मास ऑफ पार्टिकल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू मास का होल स्क्वायर, जो सब बच्चों को पता है, यानी ये बना हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन है। केवल सारे बच्चों को एक बार मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को एकदम सब कुछ जबान पे याद है। बस यहाँ ये देखना है कि हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो आपके दिमाग में बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, दूसरा जो फार्मूले हैं वो आपके दिमाग में सेव हैं कि नहीं बेटा, बस इस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करो उसको। ये नहीं देखो कि मुझे आता है, सब कुछ आता है, इसमें कोई शक नहीं बेटा। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, यहाँ से आर डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। बहुत अच्छे से बताया गया है, जहाँ भी मास हो उसका एक्सिस डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस हो उसका स्क्वायर कर दोगे। अब चलो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया को पढ़ने के लिए मैंने बताया था दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक्सिस जो पास करता है वो डिपेंड करता है कहाँ से पास करता है, पैरेलल टू प्लेन पेपर है या परपेंडिकुलर टू प्लेन पेपर है। मैंने सिखाया था उस समय, मैंने कागज भी लेके आपको दिखाते थे एक एक का, कि अगर परपेंडिकुलर टू प्लेन पेपर है तो उसके अंदर ड्रिलिंग कर दो और वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा बेटा। लेकिन अगर पैरेलल है तो वो क्या करेगा, इस तरीके से क्या करता है, रोटेट करता है, आपको एक एक दिखाया गया था। तो चलो हम लोग देखते हैं और न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जो हमें बार बार ज़रूरत होगी कि किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही अगर मास ऑफ पार्टिकल है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होता है बच्चों, 0 होता है। सारे बच्चों को एकदम कन्फर्म होगा कि उसका MI क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, इसीलिए उसका MI क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, I बराबर MR स्क्वायर। तो R यहाँ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो 0 रहेगा, तो उसका MI क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दो चीज़ें हमें ध्यान रखना है, एक्सिस जो पास करेगा वो पैरेलल टू प्लेन पेपर होगा, यानी 2 डायमेंशन होगा, और जब ये एक्सिस अपने परपेंडिकुलर टू प्लेन पेपर होगा तो कैसा करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। कागज लेके खूब अच्छे से सब दिखाया गया था बेटा कि उसमें क्या कर दो, ड्रिल कर दो और उसकी वैल्यू निकाल लो, आप उसके वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना। तो कुछ नोट करने की ज़रूरत शायद नहीं होगा, सब आपके पास नोट बना हुआ है, कुछ यहाँ नोट नहीं करना है, केवल बस देखते चलो। और कल का जो क्लास होगा, रोटेशन और वर्क पावर एनर्जी दोनों का न्यूमेरिकल्स होगा, और उसी में और भी न्यूमेरिकल्स मैं ले लूँगा, जितने भी मैक्सिमम न्यूमेरिकल हो सकते हैं सब हम ले लेंगे बेटा। तो चलें हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं
कि ये बेटा एक ट्रेंगल बना हुआ है और यहाँ पे सबका साइड 4 मीटर है और यहाँ पे M1, M2, M3 है। हम लोग हर मास में M1 को 1 kg मानेंगे, M2 को 2 kg मानेंगे और M3 को 3 kg मानेंगे। हर क्वेश्चन में बार बार नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन इसमें ढेर सारे बन जाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट M1, M2, M3 किसी के अबाउट निकाल दो, सेंटर के अबाउट। यहाँ पे M4 रख दो, इसके अबाउट निकाल दो। M5 रख दो बेटा, इस M1 और M2 के अबाउट एक्सिस पास करें। M3 और M2 के अबाउट पास करें। M3 और M1 के अबाउट पास करें। ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपको सिखाया गया था, केवल एक सिस्टम में 10 न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो सारे बच्चे करके दिखाएं, नहीं कर पाएंगे तब मैं बताऊंगा एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, M1 से। और पैरेलल टू प्लेन पेपर है, पैरेलल टू प्लेन पेपर है। इसका मतलब इसका एक्सिस क्या बन गया, इसका एक्सिस ये बन गया बच्चे, ये इसका एक्सिस हो गया जो प्लेन में बनेगा, ये हमारा एक्सिस हो गया। एक्सिस पर है तो M1 का मान हमारा 0 हो जाएगा। कल्पना जस्ट स्टार्ट हुआ बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल, बस हर एक कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन बिल्कुल, क्योंकि उससे ज़्यादा हम लोगों के पास टाइम नहीं है और हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बिल्कुल। तो चले फटाफट करके दिखाएं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। अगर हम M1 की बात करें, अगर हम M1 की बात करें तो I1 का मान 0 हो जाएगा। अगर हम M2 की बात करें तो इसका जो परपेंडिकुलर बनेगा वो ये बन जाएगा। अगर हम कुछ पॉइंट दे दें, ये A दे दें, यहाँ पर B दे दें, यहाँ पर C दे दें बेटा, तो इसका बन जाएगा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, M2 के लिए I2 बन जाएगा, बराबर M2 होगा। परपेंडिकुलर हमारा AB का होल स्क्वायर, बराबर यहाँ से जब वैल्यू रखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये बन गया 2 हो गया। परपेंडिकुलर हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो गया 32 हो गया। ऐसे अगर हम M3 की बात करें बेटा, M3, हाँ बिल्कुल सारे बच्चों को आंसर आना शुरू हो गया। अगर M3 की बात करें तो ये हो जाएगा I3 हो जाएगा बेटा, I3 हो जाएगा। इसका परपेंडिकुलर हमने बताया था दो तरीके से आप ले सकते हैं बेटा, दो तरीके से, ध्यान से देखें, इसका परपेंडिकुलर दो तरीके से ले सकते हैं। एक परपेंडिकुलर ये बन गया बेटा, यहाँ पे अगर P पॉइंट कह दें तो यही क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर। या दूसरा देखो, याद करो मैंने सिखाया था बेटा, ये भी परपेंडिकुलर इसका हो गया एक्सिस से, तो ये एंगल 60 है, ये 30 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस से ये वाली वैल्यू निकाल लोगे। तो दोनों रास्ता है, ये भी इसका परपेंडिकुलर हो गया और ये भी परपेंडिकुलर हो गया, वहाँ पे दोनों मेथड से सिखाया गया था। तो इसका परपेंडिकुलर ये बन गया बेटा, मास हो गया M3 इंटू हो गया परपेंडिकुलर हमारा AP का होल स्क्वायर हो गया, गुड। तो बराबर ये कितना हो जाएगा, M3 हो जाएगा और परपेंडिकुलर इसका कितना हो जाएगा, AP का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये हमारा 3 बन गया और AP कितना हो गया है, 2 का स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया 12 हो गया। बराबर यहाँ से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना बनेगा बेटा, I1 होगा प्लस I2 होगा प्लस कितना हो जाएगा, I3 हो गया, बराबर ये आ गया 0 आ गया प्लस 32 आ गया प्लस हो गया 12, बराबर हो गया 44 के, गुड। सब बच्चों का आया है, गुड बेटा, एकदम सही, यस बिल्कुल सूरज एकदम सही है बेटा। दूसरा क्वेश्चन बेटा, MI निकालना है M1 के क्रॉस परपेंडिकुलर टू प्लेन पेपर। इस पार्ट का ध्यान रखना, M1 का मान बेटा 1 kg लोगे, M2 का मान 2 kg, M3 का मान 3 kg, बार बार नहीं लिखा जा रहा है, एक बार लिख दिया गया। जहां M4 होगा वहां पे हम लोग 1 से शुरू करके 4 kg तक ले लेंगे, क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े। आज एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है बेटा, M1 से, लेकिन प्लेन पेपर के परपेंडिकुलर है। जिनको खूब डेप्थ में जाना है वो बच्चे पुराने लेक्चर को देख लें, पुराने PPT को देख लें बेटा, ढेर सारे क्वेश्चन कराए हैं मैंने, कोई केस नहीं छोड़ा है, बस यहाँ पे याद रखना है। चलें फास्ट करें बेटा, M1 के अबाउट है, परपेंडिकुलर टू प्लेन पेपर है। मैंने दिखाया भी था कि बेटा प्लेन के अंदर ये जो कॉपी है उसके अंदर ड्रिल कर दो और वो क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा बेटा, ऐसे हमारा रोटेट करेगा, मैंने कागज भी बना के दिखाया था। यहाँ पे भी हम लोग कागज का यूज कर सकते हैं समझने के लिए, जिन बच्चों को भूल गया है वो कागज का यूज कर सकते हैं। ये हमारा ट्रायंगल बन गया बेटा,
एम आई स्केब आउट निकालना है, यस एम आई निकालना है, ये बन गया बेटा, ये ड्रिल कर दिया गया है, ये ड्रिल कर दिया गया है। इसके लिए अगर यहाँ पर M1 होता तो ये जीरो हो जाता, ये M2 है तो इसका परपेंडिकुलर ये बनेगा बेटा, यहाँ पे M3 है, ध्यान से देखो यहाँ पे M3 है बेटा, तो इसका परपेंडिकुलर ये बनेगा, इसका परपेंडिकुलर ये डायगनल बनेगा, क्लियर कर लें। यहाँ पे M1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया जीरो हो गया बच्चों, यहाँ पे यही एक्सिस है ध्यान रखना, मैंने ड्रिल कर दिया, यहाँ पे M2 है, ये M2 है बेटा, इसका परपेंडिकुलर ये बन गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पर ये M3 हो गया बेटा, यहाँ M3 है, इसका परपेंडिकुलर ये डायगनल बन गया, ये वाला जो डायगनल बनेगा, यही जो डायगनल बनेगा इसका, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होगा, गुड। तो चलो यहाँ से देखो, M1 के लिए जीरो हो जाएगा, M2 का परपेंडिकुलर ये बनेगा और M3 का परपेंडिकुलर ये डायगनल बन जाएगा बेटा। यस बिल्कुल सारे बच्चों का आंसर आ रहा, मैं चेक कर ले रहा हूँ, ये A बन गया, ये B बन गया, ये C बन गया बेटा, यही हमारा एक्सिस हो गया, ध्यान रखना ये एक्सिस हो गया जो हम इमेजिनरी दिखा दे रहे हैं। M1 की बात करेंगे तो इसका I1 का मान हो गया हमारा जीरो, अगर हम बेटा M2 की बात करेंगे तो हमारा I2 हो जाएगा, यस। हाँ बेटा, अब सूरज उसको बना दिया गया, अब यहाँ पे कैसे करें, वही एक्सिस मैंने एक पॉइंट बना दिया है और कोई रास्ता नहीं, हम अपने लैपटॉप में तो होल कर नहीं सकते बेटा, तो मैंने कागज़ में करके दिखा दिया है, ठीक है ना। हाँ तो ये I2 हो गया, I2 बन गया, इसके लिए बन गया मोमेंट ऑफ इनर्सिया M2 हो गया, इसका परपेंडिकुलर कितना होगा, दो का स्क्वायर हो जाएगा, M2 का मान दो है और ये चार हो गया, बराबर हो गया बेटा एट हो गया। ऐसे अगर हम M3 की बात करें तो M3 में ये हमारा I3 हो गया, I3 बराबर हो गया M3 हो गया, इसका डायगनल जो बनेगा AC वो क्या हो गया, होल स्क्वायर, यहाँ से बन गया बेटा M3 का मान तीन हो गया, AC हमारा दो का होल स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया 12 हो गया, यस वेरी गुड। नेट मोमेंट ऑफ इनर्सिया सारे बच्चों का 20 आ गया है, गुड, बिल्कुल एकदम याद है सब बच्चों को, 0 प्लस 8 प्लस क्या हो गया 12, बराबर हो गया 20, यस गुड, यस। कल्पना बिल्कुल बेटा, चाहे पैरेलल हो चाहे परपेंडिकुलर हो, जिसके अबाउट निकाला जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया जीरो होगा, क्योंकि जिस एक्सिस पर अभी ये बताया गया है बेटा, जिस एक्सिस पर है, देखो यहाँ पे कल्पना अच्छे से देख लो बेटा, जिस एक्सिस पर मास रखा होता है उसका परपेंडिकुलर जीरो होता है, तो एम आई उसका क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो हो जाएगा बेटा। तो चाहे वो पैरेलल हो चाहे परपेंडिकुलर, एक्सिस कहीं से पास करे, अगर एक्सिस पे मास है तो उसका एम आई हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा बेटा। चले दूसरा क्वेश्चन, एक्सिस जो पास कर रहा है बेटा वो M1 M3 से पास कर रहा है, एक्सिस हमारा पास कर रहा है M1 M3 से। अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि पैरेलल टू प्लेन पेपर है, नॉर्मल बेटा निश्चित रूप से ये पैरेलल टू प्लेन पेपर ही हो सकता है, परपेंडिकुलर दो पॉइंट पर नहीं आ सकते एक्सिस, तो ये हमारा एक्सिस बन गया बेटा, आज इस केस में ये एक्सिस बना हुआ है, करें बच्चे एक्सिस हमारा ये बना हुआ है बच्चे, ये हमारा एक्सिस हो गया, एक्सिस के लिए जीरो हो गया, सभी बच्चे सॉल्व करें, तो कल्पना देखो बेटा ये एक्सिस बन गया, M1 और M3 का एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्सिस बन गया, तो M1 और M3 का मोमेंट ऑफ इनर्सिया जीरो हो जाएगा, जहाँ जहाँ मास हो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है, M2 का परपेंडिकुलर ये बन गया बेटा, M2 का परपेंडिकुलर ये बन गया, ये डिस्टेंस आपको लाना होगा, ये इसका परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये देखें ये बन गया इसका परपेंडिकुलर, ये बना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा, ये बन गया दैट इज अवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, निश्चित रूप से ये एंगल कितना होगा 90 होगा, ये हमारा 60 बनेगा बेटा, तो निश्चित रूप से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ से 4 मीटर दिया है, यहाँ पर कुछ नाम दे दो, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, फॉर एग्जांपल पी मान लेते हैं, हमें बी पी लाना है, यही हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो एम वन के लिए हमारा आई वन का मान जीरो हो जाएगा, M3 के लिए हमारा I3 का मान जीरो हो जाएगा, M2 के लिए बेटा हमें निकालना होगा, जब हम M2 की बात करेंगे तो I2 का मान कितना हो जाएगा, M2 into perpendicular कितना हो गया, PB का होल स्क्वायर,
हमें परपेंडिकुलर का मान लाना होगा बच्चे, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें लाना होगा, दिख रहा होगा सभी बच्चों को। अगर हम साइन 60 ले लें, साइन 60 ले लें बेटा, तो परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर लाना, हाइपोटेनियस पता है हम लोगों की वैल्यू आ जाएगी, तो साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस हो गया। तो इसका मान कितना आ गया है, इसकी जब वैल्यू निकाला जाएगा तो ये आ गया बेटा साइन 60 बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस 4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया बेटा, ये हो गया 4 साइन 60 अंडर रूट 3 बाई 2 बराबर हो गया 2 अंडर रूट 3 हो गया। M2 का मान हमारा 2 है, किलोग्राम फिक्स है बेटा, उसको कर दिया गया है, ये आंसर हो गया। क्योंकि बार बार डाटा लिया जाएगा तो अजीब सा लगेगा, काफ़ी समय लग जाएगा। ये बन गया हमारा 24 यानी 24, वेरी गुड, ये बराबर हो गया 24 हो गया। और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यही हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर बेटा हो गया 24 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बेटा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, गुड। चलें आज एक्सिस जो पास कर रहा बेटा, देखिए अब सबका मास 4 केजी तक स्क्वायर हो गया, तो U1 से शुरू किए हैं 4 तक ले लिए हैं। जो MI है वो कहाँ से पास कर रहा है, M2 एक्सिस पास कर रहा है, M2 M4 से बेटा, एक्सिस हमारा M2 M4 से पास कर रहा है, M2 M4 से। जब भी दो पॉइंट से एक्सिस पास होगा तो कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, हमेशा वो पैरेलल ही होगा बेटा। तो जो हमारा एक्सिस है वो कहाँ से पास कर रहा है, M2 और M4 से। M2 M4 से पास कर रहा है बेटा, सभी बच्चे सॉल्व करें। M2 M4 एक्सिस हमारा ये हो गया, तो इसका परपेंडिकुलर ये बनेगा बच्चे, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, और इसके लिए बनाया जाएगा तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बिल्कुल सारे बच्चों का एकदम क्लियर है। ये इसका परपेंडिकुलर, यहाँ पे P बना देते हैं, ये A हो गया है, ये B हो गया, ये C हो गया, तो यहाँ से क्या बन गया है, आंसर आ गया, वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट आ रहा होगा। यहाँ से M4 अब बराबर M2 बराबर क्या हो जाएगा इसका, I2 बराबर हो गया, I4 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अगर हम M2 की बात करें तो M2 का मान 2 kg हो गया, परपेंडिकुलर इसका PB का होल स्क्वायर, PB कितना हो जाएगा, 4 और 4 का अंडर रूट 32 हो गया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 32 अपान 2 हो जाएगा बेटा, और ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 32 अपान 2 हो जाएगा। तो वैल्यू रख लेना, ऐसे हमारा आ गया है M4 के लिए, सॉरी M1, एक मिनट बेटा, ये आया, सॉरी बच्चे, ये हो जाएगा अंडर रूट 32 अपान 2 हो गया। यहाँ से ये बन गया हमारा M3 के लिए आया है बेटा, ये M3, और ये बन गया हमारा M1 हो गया। M1 बराबर भी कितना हो जाएगा, M3 का मान है 3 kg, सॉरी बेटा 3 kg, M1 का मान 1 kg है, तो 1 हो गया, और इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, AP का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, APPB बराबर है, सबका समेशन कर देना, आंसर आ जाएगा। यस, हाँ बेटा, M2 और M4 का 0 है, बिल्कुल सॉल्व कर लेना, वैल्यू मैंने रख दिया सब, M2 और M4 का 0 है, M3 का परपेंडिकुलर ये बनेगा CP का होल स्क्वायर, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लो बेटा, M3 है वो दिमाग में है, देखो यहाँ से M3 का जो परपेंडिकुलर होगा वो PC का होल स्क्वायर, अब सही हो गया, तो दिख रहा होगा ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर, और ये पूरा हो जाएगा अंडर रूट 32 हो जाएगा, और आधा आधा करोगे तो अपान 2 हो जाएगा। चल बस एक दो क्वेश्चन और है, इसका जल्दी से प्रैक्टिस कर लो। एक्सिस हमारा M5 से पास कर रहा है बेटा, एक्सिस हमारा M5 से पास कर रहा है, M5 का मान 6 kg है,
एक के जी, दो के जी, तीन के जी, चार के जी, और एम फाइव का मान मैंने 6 kg ले लिया है। एक्सिस हमारा एम फाइव से पास कर रहा है बेटा, एक्सिस हमारा एम फाइव से पास कर रहा है। सभी बच्चे सॉल्व करें, एक्सिस हमारा एम फाइव से पास कर रहा है, ये हमारा एक्सिस हो गया। ओरल दिख रहा होगा, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, सारे बच्चे कर ले गए होंगे, सबको दिखने लगा होगा। ए बी सी डी हो गया बेटा, इसके लिए यहाँ पर ये बन गया है, पी पॉइंट हो गया है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसका आप कुछ पॉइंट बना दो, यहाँ पर पॉइंट बना दो, क्यू बना दो, सबका लिए परपेंडिकुलर आपको दिखने लगा होगा बेटा। तो यम सिक्स के लिए 0 हो जाएगा, एम वन के लिए, हाँ सभी बच्चे सॉल्व करके निकाले बेटा। अच्छा सब बच्चों का, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 10, कुछ का अलग अलग आ रहा है, सभी बच्चे सॉल्व करें। तो एम वन की बात अगर करें तो यम वन की बात हो जाएगा बेटा, एम वन के लिए सबका परपेंडिकुलर बराबर ही है, किसी का परपेंडिकुलर कम ज़्यादा नहीं है, सबका 1 मीटर ही परपेंडिकुलर है। तो यम वन के लिए बन गया एम वन इंटू हो गया बेटा 1 का होल स्क्वायर, वैल्यू रख लेना। अगर हम एम टू की बात करें तो ये हो गया एम टू इंटू 1 का स्क्वायर, ऐसे सब के लिए निकाल लोगे। इसका परपेंडिकुलर अगर हम एम थ्री की बात करें तो एम थ्री का भी बात हो गया बेटा एम थ्री इंटू परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, क्योंकि साइड 2 मीटर है। ऐसे अगर हम एम फोर की बात करें तो ये हो गया एम फोर इंटू क्या हो गया बेटा 1 का स्क्वायर। सबका समेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। यस, और एम फाइव के लिए तो 0 हो ही गया है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, एम फाइव की वैल्यू हमारा 0 ही है। यम वन यम टू यम थ्री ध्यान रखना, सबका समेशन कर दोगे 1 2 3 3 6 4 10। ओरल दिख रहा है बेटा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। चलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हम लोग जल्दी से देखते हैं बेटा। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका नाम ही है, जब पैरेलल है तो ध्यान रखना एक एक्सिस जो हमेशा सीजी, ध्यान रखना सबसे पहले नए बच्चों को ये समझना है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हम लोग अप्लीकेशन कहाँ कर पाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन हम वहीं पे कर सकते हैं जहां पे कोई ऑब्जेक्ट अपने सीजी के अबाउट घूम रहा हो। ध्यान से सुने नए बच्चे, स्पेशली सुने बेटा, हम इसका यूज वहीं पर कर सकते हैं जहां पे कोई ऑब्जेक्ट सीजी के अबाउट रोटेट करता हो। तो देखो ये ऑब्जेक्ट हमारा इस सीजी के अबाउट रोटेट कर रहा है, यहां से सीजी मान लिया गया। एक पार्टिकल है जिसका मास यम है और इस डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया बेटा। अब इसके पैरेलल ये लाइन यहाँ हो सकती है, पैरेलल नाम ही है, तो सीजी का जो एक्सिस होगा उसके पैरेलल यहाँ लाइन हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और पैरेलल से बेटा और सीजी का सेपरेशन मान लिया करो। तो देखो इसका डिस्टेंस हम लोग कुछ मान लेते हैं अपने हिसाब से, ये एक हमने पैरेलल लाइन मान लिया, देखो ये पैरेलल लाइन हो गया। और यही ध्यान रखना ये सीजी है बेटा, ये हमारा सीजी हो गया, ये हमारा पैरेलल एक्सिस हो गया है। ध्यान रखना पैरेलल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल डी मान लेते हैं, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, सीजी के अबाउट जो पास करता है प्लस हो गया बेटा मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। नए बच्चे एकदम दिमाग में बना लें, पैरेलल एक्सिस का मतलब होता है कि जो दोनों सीजी एक्सिस और पैरेलल एक्सिस के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको कोई भी सिंबॉलिक आप मान लो बेटा, आर मान लो, डी मान लो, कुछ भी मान लो। तो ये एम डी स्क्वायर हो गया, सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आता है। और जो आई सी जी होता है दोनों का समेशन कर दो, तो आई सी जी के अबाउट सबका आई सी जी फिक्स है बेटा, रिंग है, डिस्क है, सिलेंडर है, रॉड है, कोई भी है बेटा, सबके लिए एम आई फिक्स है सी जी के अबाउट बेटा। और जो लाइन पैरेलल होगी उसके बीच का सेपरेशन डी मान लिया करो, और टोटल पैरेलल का कितना हो गया सीजी प्लस कितना हो गया एम डी स्क्वायर। तो ये वहीं पर यूज होगा जहां पे कोई ऑब्जेक्ट हमारा सीजी के अबाउट ऑलरेडी रोटेट करेगा बेटा, तो वहां पर इसका यूज करेंगे। दूसरा होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है। परपेंडिकुलर में एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। इसका ट्रिक क्या है बच्चे, ध्यान से देखो इसका ट्रिक क्या है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज बहुत कम होता है जिन दो एक्सिस में मेरा पार्टिकल होगा। सभी बच्चे ध्यान से देखें, जिन दो एक्सिस में मेरा पार्टिकल होगा उनके सम का मोमेंट ऑफ इनर्सिया बचे हुए तीसरे एम आई के बराबर होगा। बच्चे ध्यान से देखें, अगर मेरा ऑब्जेक्ट वाई और जेड में है तो इसका आई वाई प्लस आई जेड बराबर आई एक्स के हो जाएगा।
अगर मेरा ऑब्जेक्ट वाई और यक्स में है तो आई जेड बराबर आई वाई प्लस आई यक्स हो जाएगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट बेटा जेड और यक्स में है तो आई जेड प्लस आई यक्स बराबर आई वाई, यानी जिन दो एक्सिस के बीच में मेरा पार्टिकल होगा उनके मोमेंट ऑफ इनर्सिया का सम बराबर होगा बचे हुए तीसरे के बेटा। तो पार्टिकल कहीं होगा ये एग्जामिनर देगा, यहाँ पे आई जेड प्लस आई वाई बराबर बचा हुआ तीसरा क्या हो जाएगा, आई एक्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आई एक्स बराबर कितना हो गया बेटा, आई वाई प्लस क्या हो गया, आई जेड के हो गया। क्लियर बच्चे, कोई बच्चा रखने की कोशिश ना करे, पार्टिकल एग्जामिनर कहीं भी रख सकता है, यहाँ रख सकता है, यहाँ रख सकता है, यहाँ रख सकता है। जिन दो एक्सिस के बीच में पार्टिकल रखा होगा उनके मोमेंट ऑफ इनर्सिया का सम बचे हुए तीसरे के बराबर होगा, ये ट्रिक याद रखो। तो वाई और जेड में रखा है, इनका सम बराबर हो गया बचे हुए तीसरे आई एक्स के बराबर बेटा। अब इसका चलो यूज देखो, पहला देखो मोमेंट ऑफ इनर्सिया रॉड के लिए, फटाफट बट देखते रहो। पहला वाला बेटा सबका फिक्स है, हर बच्चे को मोमेंट ऑफ इनर्सिया दिमाग में एकदम बैठाना होगा और याद करना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर हम रॉड का देखें तो सी जी के अबाउट सब बच्चे को पता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होता है। वन एंड से जो एक्सिस पास करता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया जाता है, ये इसका डी बनेगा, तो एम एल स्क्वायर अपॉन 3 होता है। और बेटा किसी एंगल पे अगर इंक्लाइंड होता है तो एम एल स्क्वायर अपॉन 3 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो सारे बच्चों को एकदम जबान पे होगा और सबको करना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि वहाँ पे ना आप डेरिवेशन का टाइम है ना सोचने का टाइम है, तो एकदम सब कुछ याद होना चाहिए। क्योंकि एक ईद आज है, एक ईद आज है और दूसरी ईद 17 जुलाई को होगा, 2 बजे से 5 बजे के बीच में होगा हम लोगों का दूसरा ईद बेटा। तो उड़ान के बच्चों का या पूरे इंडिया का जो दूसरा ईद होगा नीट के बच्चों का बेटा, वो 17 जुलाई को होगा, 2 बजे से होगा बेटा। चांद निकलेगा और 3 घंटे में चांद बेटा बैठ जाएगा। वही जो बच्चा मेहनत करके साल भर चांद को देखने के लिए जिस बच्चे ने दिन रात एक कर डाला है, वही बच्चा बेटा चांद देख पाएगा, नहीं तो चांद बेटा छिप जाएगा। इसीलिए अभी टाइम है उस चांद को देखने के लिए, बेसब्री से इंतजार करते हुए और सब कुछ बेटा एकदम सेक्रीफाइस कर डालो, जिससे जो वो 3 घंटे के लिए चांद निकले बेटा, उस वो मेरा हो जाए, ये अपेक्षा करके ताकत लगा दो बेटा। तो ये सबको याद होगा, हाँ सब बच्चों को याद होगा। और नहीं याद है बेटा तो अभी भी समय है, कोई भी आपके के पास किताब हो सब में बेटा बना हुआ है, याद कर लो, नहीं तो सब बेटा दिक्कत हो जाएगी। हाँ तो ये बन गया हमारा एम एल स्क्वायर अपान 3 साइन स्क्वायर थीटा, तीनों केस एकदम याद होगा। अब बेटा न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, सब बच्चों को इतना केस याद रखना है, राड का, रिंग का, डिस्क का, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर का बेटा और कोन का, इतनी चीजें याद रखना है सारे बच्चों को, ये ध्यान रखना बेटा, कैसे भी मेहनत करो। चले क्वेश्चन आ गया, ये रॉड है, देखें मेरे पास 2 रॉड था, प्रत्येक रॉड की लंबाई L है और उसका मास M था, मैंने उसको L शेप में मोड़ दिया बेटा, L शेप बना दिया। ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सिस ये हो सकता है बच्चों, एक्सिस ये हो सकता है, 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 3 क्वेश्चन बन सकता है, ये एक्सिस हो सकता है, ये एक्सिस हो सकता है, ये एक्सिस हो सकता है, तो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने एक्सिस ये बना दिया बेटा। सारे बच्चे एम आई निकालें फटाफट, मास इसका एम है, लेंथ इसका एल है, मास कुछ दे सकता है, लेंथ कुछ दे सकता है बच्चों। इसको मैंने पहला राड मान लिया आई वन कह दिया और इसका मैंने आई टू कह दिया, सारे बच्चों को आई वन और आई टू की वैल्यू निकालना है, आई वन और आई टू की वैल्यू निकालना है। आई वन किसका एप्लीकेशन है बेटा, सब बच्चों को दिख रहा होगा, वन एंड का एप्लीकेशन है, तो आई वन बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, 1/3 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे जो हमारा आई टू है वो किसका है, डिफिनीशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया, एक्सिस से वो डिस्टेंस जहाँ पे बेटा मास रखा हो, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो आई टू किसका है, डिफिनीशन हो गया एम आई का बेटा, डिफिनीशन ऑफ एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्सिया का डिफिनीशन। यस, सभी बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया का डिफिनीशन।
तो आई टू बराबर हो जाएगा मास इंटू आर स्क्वायर बेटा, तो यम हो गया और आर कितना बनेगा, एल हो जाएगा एल स्क्वायर। तो क्या टोटल मोमेंट ऑफ एनर्सिया कितना हो गया, आई वन प्लस क्या हो गया, आई टू हो गया बेटा, दोनों का सम कर दो तो आई वन का मान आ गया है 1/3 एम आर स्क्वायर हो गया है, प्लस बेटा ये कितना बन जाएगा एम एल स्क्वायर। अच्छा आर क्यों रख दिए हैं, सॉरी बेटा 1/3 एम एल स्क्वायर, सॉरी बेटा वो आदत पड़ी हुई है, 1/3 एम एल स्क्वायर, और ये बन गया बेटा एम एल स्क्वायर, तो बराबर कितना हो गया है 4/3 एम एल स्क्वायर। यस यस बिल्कुल बिल्कुल, सूरज देखो कहीं कैलकुलेशन गलत है बेटा, सूरज कैलकुलेशन अपना चेक करो, सूरज कैलकुलेशन चेक करो बेटा, हाँ दोनों राड को ज्वाइन किया गया बेटा, दो राड थे दोनों राड को ऐसे ज्वाइन कर दिया गया है, दो राड को बच्चे ऐसे ज्वाइन कर दिया गया है, ऐसे इसी तरीके से इसको ज्वाइन कर दिया गया है, ये एक्सिस बन गया है, तो ये जब घूमेगा बेटा इसको तो ऐसे ये रोटेट करके ऐसे घूमेगा, तो इसका अपना वन एंड का एप्लीकेशन हो गया और ये वाला बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफिनीशन हो जाएगा आर स्क्वायर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सभी बच्चे सॉल्व करें। ये हमारा एक्सिस है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इस रॉड का मास यम है, लेंथ यल है, इस रॉड का मास 2m है, लेंथ यल है, ये एक्सिस से पास कर रहा है, mi बताना है बेटा। इसको हम पहला रॉड I1 कह दिए और इसका क्या कह दिए हैं, I2 कह दिए हैं, तो ये किसका एप्लीकेशन है बेटा, 1/3 एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, एम एल स्क्वायर हो जाएगा और ये बन गया साइन स्क्वायर 30 हो गया, ऐसे I2 कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, मास के स्थान पे 2m रखेंगे बेटा, लेंथ के स्थान पे एल स्क्वायर हो गया और कितना हो गया साइन स्क्वायर 60 हो गया, दोनों का सम कर लेना, आई बराबर कितना हो गया आई वन प्लस आई टू बेटा, समेशन कर लेना। हाँ ओ हैदर अली, हैदर बेटा सेवैया वगैरह बन गई कि नहीं भाई, ईद मुबारक हो बेटा हैदर, हैदर ईद मुबारक हो बेटा, हाँ इसीलिए भाई तुम लोगों के चक्कर में आज क्लास जल्दी हुआ है कि भाई तुम लोग अपना आराम से एंजॉय करो, बीच में दिक्कत ना हो। यस सॉल्व कर लेना बेटा, सब बच्चों का आंसर आ रहा है 7/12, सॉल्व करने के बाद सब बच्चे बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे हाँ सब बच्चे बोल रहे हैं 7/12 एम एल स्क्वायर आ रहा, ये सारे बच्चे बोल रहे हैं, चेक कर लेना बेटा। हाँ हैदर हम लोग आ रहे हैं भाई, सब नीट उड़ान के सारे बच्चे और हम लोग आ रहे हैं भाई, इसे वहीं खाने मम्मा से कह दो बस बना के रखें भाई। हाँ चलें दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चा बहुत गलत करता है। तीन राड है बेटा, सबका मास m है, सबकी लेंथ l है, mi पास का बताना है बेटा, सेंटर O से परपेंडिकुलर टू प्लेन पेपर, ध्यान रखना परपेंडिकुलर टू प्लेन पेपर, तीन राड हैं, ये एक्सिस बन गया बेटा, ये हमारा एक्सिस बन गया है, ये एक्सिस बन गया है, पूरा ये राड ऐसे घूम रहा है, देखें तीनों राड को वेल्डिंग किया गया है, ये एक राड है, दूसरा राड है, तीसरा राड है, तीनों को वेल्डिंग कर दिया गया है, तो तीनों राड घूम रहा है बेटा और सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है, ध्यान रखना सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है और इसका एम आई हमको फाइंड आउट करना है। हाँ सूरज भी खाने जाएगा भाई, हाँ हैदर आज आपको बहुत सेवैयाँ बनवाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि सूरज भी आ रहा है भाई खाने के लिए, सारे बच्चे आ रहे हैं। हाँ चलो पहले इस सेवई को हम लोग खा लेते हैं बेटा, तीन राड है,
ध्यान रखना, जब हमारा पूरा ये सिस्टम रोटेट करेगा बच्चों, तो तीनों राड अपने सीजी के अबाउट घूमेगा। ट्रिक देखें, तीनों राड अपने सीजी के अबाउट घूमेगा, पैरेलल एक्सिस का थ्योरम, ये राड भी, ये राड भी, ये राड भी, तीनों अपने सीजी के अबाउट घूमेगा। ध्यान से देखें, इसके बाद बेटा सबका मास से डिस्टेंस का स्क्वायर, एम डी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर बेटा। तो ध्यान से देखें, यस बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, हर राड, तीनों राड अपने सीजी के अबाउट घूमेगा, तीनों राड अपने सीजी के अबाउट घूमेगा। दूसरा बेटा एम डी स्क्वायर, इस राड के लिए डी ए बनेगा, इसके लिए डी ए बनेगा, इसके लिए डी ए बनेगा बेटा। तो क्या बनेगा, हर राड का आई सी जी प्लस एम डी स्क्वायर, आई सी जी प्लस एम डी स्क्वायर, डी हमको खरीदना होगा बेटा। तो पूरा राड घूम रहा है, पूरा सिस्टम घूमेगा, तो राड भी अपने सी जी के अबाउट घूमेगा बेटा, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एम डी स्क्वायर, इसका ये डी बन गया, ये इसका डी बन गया, ये इसका डी बन गया बेटा। तो देखो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से ये वाला हमारा डी बन गया, ऐसे इसके लिए भी ये डी बनेगा और दूसरे के लिए भी वो डी बन जाएगा बेटा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कोई भी राड ले लें, आई वन ले लें, इसका मोमेंट ऑफ आई सी, इसका हम आई थ्री ले लें, तो नेट मोमेंट ऑफ एनर्सिया कितना होगा, आई वन प्लस आई टू प्लस हो गया बेटा आई थ्री हो जाएगा, और आई वन आई टू आई थ्री क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हम तीनों का सम करें तो I1 I2 बराबर किसके हो जाएगा, I3 के। तो I नेट किसके बराबर हो गया बेटा, 3 किसी एक के बराबर ले लो, और ये सब किसके बराबर होगा, ये सब आई सी जी होगा प्लस कितना होगा, एम डी स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको D लाना है बेटा, पहले हमको D लाना है, यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं, ये हमको D लाना है बेटा। देखें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया गया है, ये हमारा एंगल कितना बनेगा, 30 बनेगा। देखें ये हमारा 30 बना, टोटल लंबाई L है, तो ये कितना हो जाएगा, L बाई टू हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देखें तो tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा L बाई टू हो गया। D की वैल्यू हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, L बाई टू tan 30 हो गया। यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो ये L बाई टू हो गया, tan 30 हमारा अंडर रूट 3 हो गया, ये हमारा D बन गया बेटा। इस D का मान वहाँ उठा के रख दो और सम कर दो बेटा, तो कितना आ गया है, बराबर आ गया, 3 हो गया। I1 का मान हो गया है एम एल स्क्वायर अपान 2 सी जी हो गया, प्लस एम डी स्क्वायर हो गया, D की वैल्यू रख दो, ये 3 टाइम्स हो गया है एम एल स्क्वायर अपान 12 हो गया है, प्लस हो गया बेटा M हो गया, D की वैल्यू आ गई है कितना, L बाई टू अंडर रूट 3, तो ये हो गया है L बाई टू अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया बेटा। सॉल्व कर लेना, ठीक है, ओके। यशराज पटेल, ऐसा नहीं कर सकते बेटा कि किससे आता है, सबको सीखना है, हम लोगों को सबके लिए सीखना है, हर एक पार्ट का क्वेश्चन आता है, एक आना है या दो आना है, कहीं से भी आ सकता है, रोटेशन बहुत बड़ा पार्ट है बेटा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आज प्रिंट आपको सही दिख रहा होगा, सॉल्विंग कर लेना। मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है थिन यूनिफॉर्म रॉड का, जिसकी लंबाई एल हो, मास एम हो बेटा, सेंटर से 1/3, सॉरी किसी एक एंड से 1/3 पर मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है। एक रॉड है जिसका बेटा मास एम है, लेंथ एल है, किसी एक एंड से एल बाई थ्री डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है, किसी एक एंड से एल बाई थ्री डिस्टेंस पे एम आई निकालना है। ये हमारा सी जी हो गया, ये हमारा सी जी हो गया, ये हमारा एंड हो गया, ये हमारा एंड हो गया है, एंड से एल बाई थ्री डिस्टेंस। अगर ये एल बाई थ्री हो गया बच्चे, तो जरा दिमाग लगा लो, ये कितना हो जाएगा, एल बाई थ्री, एल बाई ट्वेल्व माइनस एल बाई थ्री बराबर हो गया 12 हो गया, तो ये बन जाएगा बेटा L बाई सिक्स हो गया, ये हो गया L बाई सिक्स, यही जो L बाई सिक्स बनेगा, ये जो L बाई सिक्स बनेगा, यही D हो जाएगा बेटा। बस आंसर आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया किसके अबाउट निकाल लो, CG तो हमारा फिक्स ही है बेटा रॉड का, यहाँ से D डिस्टेंस पर देखो MD स्क्वायर हो जाएगा,
एमडी स्क्वायर, तो आई सी जी प्लस एम डी स्क्वायर, क्योंकि एंड से अगर एल बाई थ्री है तो सी जी से कितना होगा, एल बाई सिक्स हो जाएगा बेटा। तो क्या बन गया, आई सी जी हो गया प्लस एम डी स्क्वायर हो गया, डी का मान कितना रखा जाएगा, एल बाई सिक्स रखा जाएगा। तो आंसर क्या आ गया बेटा, यस सारे बच्चों का आंसर आ रहा, हम भी मिला लेते हैं, बराबर कितना आ गया बेटा, बराबर हो गया आई सी जी हो गया प्लस हो गया एम डी स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया एम एल स्क्वायर अपॉन ट्वेल्व हो गया प्लस हो गया एम एल बाई सिक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा बेटा, ये हो गया एम एल स्क्वायर ट्वेल्व हो गया प्लस हो गया एम एल स्क्वायर अपॉन 36 हो गया। तो ये बन गया है चार, हाँ यस फाइव बाई यस आंसर आ गया 36, सही है बच्चे 36 36 हो गया, एलसीएम 36 ले लिया गया है। तो ये बन गया बेटा 3 एम एल स्क्वायर हो गया है प्लस हो गया है एम एल स्क्वायर हो गया है, 4 हो गया एम एल स्क्वायर अपान 9 बेटा, बी ऑप्शन बच्चों, बी ऑप्शन बच्चों, बी ऑप्शन एम एल स्क्वायर अपान 9 एम एल स्क्वायर अपान 9 बेटा, बी ऑप्शन, हाँ बच्चों बी ऑप्शन। अंजलि बेटा आज ईद वगैरह में चलना है कहीं कि नहीं, अंजलि बेटा ईद में आज चलना है कहीं कि नहीं, किसी के घर ईद उद खाने, सेवई वगैरह खाने चलना है कि नहीं भाई अंजलि चलो नेक्स्ट देखो बेटा, हाँ सर पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट है, अच्छा कहाँ डाउट है बेटा, चेक करो वैरियर, चेक करो बेटा पूरा जब रॉड घूम रहा है, देखो वैरियर मैंने प्रेडिकल बना दिया बेटा, ये तीन रॉड है, एक रॉड ये ले लो, एक रॉड ये ले लो और एक रॉड ये ले लो, वैरियर चेक कर लो, तीनों रॉड बेटा जब ये पूरा सिस्टम घूमेगा तो तीनों रॉड अपने सी जी के अबाउट भी घूमेगा, वैरियर क्लियर कर लो बेटा, तीनों रॉड चाहे वो स्क्वायर सिस्टम हो चाहे ट्रेंगल सिस्टम हो, अगर सी जी से एक्सिस पास कर रहा है बेटा तो जैसे सी जी से ये घूमेगा ऐसे बने हुए तीनों रॉड भी अपने सी जी के अबाउट घूमेंगे, प्लस एक्सिस से उसके मास का डिस्टेंस स्क्वायर बेटा, तो पैरेलल एक्सिस लगाओगे तो सबका आई सी जी होगा प्लस एम डी स्क्वायर, इसका डी ए बनेगा, इसका डी ए सॉरी पॉइंट सोच रहे थे, इसका डी ए बनेगा बेटा, इसका डी ए बनेगा और इसका डी ए बनेगा, तीनों का एम डी स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा कहीं से डाउट होना ही नहीं चाहिए, वॉरियर क्लियर है बेटा, तो ये डी बना, ये डी बना और ये बना बेटा और निकाल लिया गया, ओके गुड। चलो रिंग का केस बिल्कुल सबके जबान पे होगा, सीजी से जो पास करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, डायमीटर के अबाउट होता है तो आधा होता बेटा हाफ एम आर स्क्वायर, टेंजेंट के अबाउट होता है तो डायमीटर प्लस क्या हो गया सीजी बन जाता है बेटा, तो ये क्या हो जाता है 3/2 एम आर स्क्वायर, सब बच्चों के एकदम क्लियर होगा। अगर डिस्क होता तो सीजी के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर, डायमीटर के अबाउट 1/4 होता है और ये हो जाता है 5/4 हो जाता है। तो सभी बच्चों के एकदम जबान पे है, नहीं है तो अभी भी समय है बेटा, याद कर लो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आ जाता है और आपको दिखता है, टेस्ट में भी आप दिए होंगे। तीन रिंग है, सबका मास यम है, रेडियस आर है, एक्सिस इस तरीके से पास कर रहा है, कई बार ये क्वेश्चन हो चुका है, एक बार याद करने के लिए फिर दे दिया गया है बेटा, क्योंकि जितनी बार हम देखेंगे दिमाग में उतना फीड होता जाएगा। ये वाला रिंग और ये वाला रिंग डायमीटर के अबाउट होगा और ये वाला रिंग कैसा होगा बेटा, डायमीटर के सर ये वाला दोनों टेंजेंट के अबाउट और ये वाला डायमीटर के अबाउट। तो क्या बन गया है, यहां से नाम दे देते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया। तो यहां से जो हमारा सोल्यूशन बना बेटा ओरल, यस गुड, सब बच्चों का आंसर भी आना शुरू हो गया है। यहां से जो आई टू और आई थ्री होगा बेटा ये किसका होगा, टेंजेंट के अबाउट होगा बेटा, आई टेंजेंट होगा, और आई वन किसके अबाउट होगा बेटा, आई वन किसके अबाउट होगा, डायमीटर के होगा, बस रख दो बच्चे। तो ये आई बराबर क्या हो जाएगा, नेट आई बराबर क्या हो गया, आई टेंजेंट प्लस आई टेंजेंट प्लस हो गया आई डायमीटर। अभी सामने लिखा हुआ है बेटा टेंजेंट और डायमीटर सबकी वैल्यू लिखा हुआ है, बराबर 2 हो गया, टेंजेंट का मान आया बेटा 3/2 एम आर स्क्वायर हो गया है,
थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर हो गया है, प्लस डायमीटर का आ गया बेटा हाफ एम आर स्क्वायर हो गया, कैंसिल हो गया है, ये बन गया है 5/2। हाँ बच्चों क्लियर है, दो से दो कैंसिल हो गया, बराबर हो गया 3 mr² प्लस हो गया हाफ एम आर स्क्वायर, बराबर आंसर हो गया 7/2 mr². गुड। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक वायर है बच्चे, एक वायर है जिसका मास m है, बिल्कुल सही बच्चों, एक वायर है जिसका मास m है, लेंथ l है, इसको सर्कुलर रिंग बना दिया गया है, सर्कुलर रिंग बना दिया गया है, कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट इट एक्सिस, रॉड था पहले, एक तार था, तार की लंबाई l मान लेते हैं बेटा, और इसको एक क्या बना दिया गया है, लूप बना दिया गया है, सर्कुलर लूप बना दिया गया, तो इसका l कितना होगा, 2πr के बराबर हो जाएगा, ज़रूरत होने पे r बराबर क्या होगा, l अपान 2π। एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, इसके cg से पास कर रहा है भाई, cg से पास कर रहा है, तो icg बराबर क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर हो गया, बराबर m हो गया, r के स्थान पे l अपान 2π का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया बेटा, एम एल स्क्वायर अपान कितना आ गया, 4π² सभी बच्चों का आ गया होगा फर्स्ट ऑप्शन बेटा, एम एल स्क्वायर अपान 4π² यस गुड। चल बहुत अच्छे से बेटा रिंग को कट करके दिखाए हैं, डिस्क को कट करके दिखाए हैं, एक बार सारे बच्चे करके आंसर दिखा दें, मुझे विश्वास हो जाए कि सारे बच्चों को याद है। एक रिंग है, रिंग का मास 2 kg है, रेडियस 2 m है बेटा, 60° एंगल कट कर दिया गया है, कट करके रिमूव कर दिया गया है, तो बचे हुए का MI निकालना है बेटा। कम से कम 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराए थे, स्टेप लिखाए थे कि सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकाला करो बिना कटे हुए बेटा, दोबारा बेटा कटे हुए का मास निकाल लिया करो पर यूनिट एंगल से, तीसरा बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचा हुआ मास होगा, जितना बचा हुआ मास हो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, बचे हुए का मोमेंट ऑफ इनर्सिया आ जाए। बिल्कुल 4 स्टेप जबान पे होना चाहिए, बिना कटे हुए मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालो बेटा, इसके बाद कटे हुए का मास पर यूनिट एंगल से मास निकाल लो, तीसरा स्टेप बेटा जितना था जितना कट गया बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो, बचा हुआ मास आ गया, और अंतिम स्टेप बेटा जितना बचा हुआ मास है आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल बचे हुए का मोमेंट ऑफ इनर्सिया आ जाएगा। फटाफट सारे बच्चे सॉल्व करके दिखाएं, कोई बच्चा रोएगा नहीं, स्टेप भी सिखा दिए हैं, अब कोई भी ऑप्शन ना रहे आपके पास बेटा। पहला स्टेप बेटा मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है होल रिंग का बेटा, होल रिंग का कितना हो जाएगा, ये हो गया एम आर स्क्वायर हो गया, एम आर स्क्वायर। दूसरा स्टेप बेटा मास ऑफ कट पार्ट निकालना है, बिल्कुल एकदम स्टेप जबान पे फिर से एक बार याद हो जाए, बाई पर यूनिट एंगल हेल्प से, बाई पर यूनिट एंगल के कॉन्सेप्ट से बेटा कितना लेना है, एम वन बराबर टोटल मास अपान टोटल 360 कटा हुआ 60 बराबर हो गया बच्चे m/6। तीसरा हो गया बेटा रिमेनिंग मास, बिल्कुल स्टेप एकदम जबान पे होना चाहिए, रिमेन मास कितना हो गया, सीधा टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एम आर माइनस 6 बराबर हो गया 6m-5m/6 हो गया। अंतिम स्टेप बेटा जितना मास बचे इसको हम लोग बोल देते हैं m2 बोल देते हैं, जितना बचे बेटा लास्ट हो गया, बचा हुआ मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना हो गया, I1 बराबर हो जाएगा जितना हमारा मास हो बचे इंटू आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया करो, बराबर हो गया 5m6 और क्या हो गया आर स्क्वायर। क्लियर बच्चे? हाँ, m का मान दिया है, r का मान दिया है बेटा, रख देना आंसर आ जाएगा। यस हाँ बिल्कुल, क्लास में करवाए थे इस टाइप का, बिल्कुल बेटा वैल्यू रख देना। चलो डिस्क का कट केस बच्चों याद कर लो कि हम डिस्क का कट केस 5 केस सिखाए थे बेटा न्यूमेरिकल्स, और सबका स्टेप सिखाए थे। सबसे ज़्यादा मैंने कहा था बच्चा इसी डिस्क के कट में परेशान रहता है, मैंने एकदम स्टेप क्लियर करा दिया था। 4 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है बच्चों। पहला स्टेप
बिना कटे हुए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका निकाल लो। दूसरा, कटे हुए का मास निकाल लो पर यूनिट एरिया से बेटा, यानी जितना रेडियस कट किया गया है उसके रिस्पेक्ट में कितना मास कट हुआ है वो निकाल लो पर यूनिट एरिया से। तीसरा, जो कटा होगा वो डिस्क का ही शेप होगा बेटा, उसका कोई अपना सी जी मान लो, वहाँ से उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल लो। वो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कटे हुए रिस्पेक्ट में आया, बचा हुआ कितना हुआ, टोटल माइनस कटा हुआ, चार स्टेप का आंसर आ गया। तो चलें, एक क्वेश्चन है जल्दी से करके दिखाएं। मास इसका दिया हुआ है बच्चों, मास दिया है 6m, रेडियस इसका 2r है, r बाई 2 रेडियस हमने कट करके हटा दिया है, तो रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फाइंड एमआई ऑफ रिमेनिंग पार्ट एक्सिस पासिस थ्रू सीजी परपेंडिकुलर टू प्लेन पेपर, बचे हुए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मास 6m है, रेडियस 2r है, r बाई 2 को कट किया गया है। सारे बच्चे अपने कापी खोलें, भले 2 मिनट लगे आंसर को निकालने की कोशिश करें। 3 स्टेप मैंने सिखाया गया था बेटा, एकदम सारे बच्चों का स्टेप एकदम क्लियर होगा। गोल नहीं बना, जरा हम इसको गोल बनाते हैं। चलो काम चला लेना है। रेडियस इसका बच्चे 2r है, रेडियस इसका 2r है, मास इसका है 6m है। चलें, सबसे पहला इसका रेडियस r बाई 2 हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं। तो इसका रेडियस r बाई 2 हम लोग क्या किए, कट किए और रिमूव किए। इसका सेंटर मान लेते हैं o डैस मान लेते हैं बेटा, सेंटर इसका o डैस मान लेते हैं, इसका सेंटर O मान लेते हैं। दोनों के जो बीच का सेपरेशन है वही D होता है बेटा। D कितना हो जाएगा, 2R माइनस R बाई 2, 2R माइनस R बाई 2, तो ये हो जाएगा 4R, 3R बाई 2 हो जाएगा। तो अब बिल्कुल एकदम क्लियर होगा स्टेप, सभी बच्चे निकालें। पहला स्टेप हो गया बेटा MI विदाउट कट हो गया, तो I हो गया विदाउट कट बेटा, ये हो गया विदाउट कट। सारे बच्चों का स्टेप एकदम क्लियर हो गया होगा। डिस्क है तो ये बन गया हाफ एम आर स्क्वायर हो गया, एम के स्थान पे 6m हो गया, रेडियस 2r हो गया का होल स्क्वायर हो गया। ऐसे पड़ा रहने दो, बाद में चेक कर लिया जाएगा लास्ट में। तो ये बन जाएगा, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये बन गया बेटा 4 हो गया, 4 हो गया, 4 का 6 24 हो गया, 24 से 2 कट गया, 12 mr स्क्वायर हो गया बेटा। सेकेंड स्टेप है मास ऑफ कट पार्ट, तो देखो क्या हो जाएगा, कितना मास कट किया गया है, मास ऑफ कट पार्ट रेडियस के रिस्पेक्ट में कट पार्ट कैसे बाई पर यूनिट एरिया बेटा, तो क्या हो जाएगा m1 बराबर हो गया, टोटल मास 6m हो गया, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर इंटू पाई हो गया r बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया बेटा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6m हो गया, अपान हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे बेटा बन गया 1/4 हो गया, बराबर हो गया 6/16। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 3 हो गया, बराबर हो गया 3/8m हो गया। हाँ बच्चों, कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है, हाँ कैलकुलेशन का हो सकता है बड़ा, m बाई 16 बेटा, 6m मास है ध्यान रखना, रेडियस इसका 2r है। एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है। तो ये बन गया पाई 2r स्क्वायर हो गया, पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, यहाँ 4 हो गया और यहाँ भी 4 हो गया बेटा। तो ये 4 और ये 4 16 हो गया, 2 से कट कर दो, 2 से 3 कट कर दो, तो 3/8m बेटा, 3/8m, हाँ 3/8m आ रहा बेटा ना, हाँ कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा स्टेप चेक कर लो। तीसरा स्टेप जो बनेगा बेटा, फाइंड MI अबाउट O1 बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कितना हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा ICG हो गया, किसके अबाउट O1 हो गया, प्लस हो गया बेटा M1D स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये हो गया M1R स्क्वायर, R बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस हो गया बेटा, हाँ स्टेप अपना कर लेना, M1 का मान ऐसे रख देते हैं, D हमारा आ गया दोनों के बीच का सेपरेशन, 3R बाई 2 हो गया,
का होल स्क्वायर बेटा सॉल्व कर लेना। ये आई वन हो गया, एम वन का मान अभी निकाल चुके हैं। फोर्थ स्टेप है बेटा, रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना हो जाएगा, रिमेन मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना हो जाएगा, टोटल माइनस कटा हुआ, ये कौन है कट, बराबर जो आए वो आंसर। सॉल्विंग घर पे कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सॉल्विंग कर लेना बेटा, सॉल्विंग आराम से कर लेना, मैंने सब स्टेप निकाल दिया है, स्टेप में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिना कटे हुए मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकाल लो, कुछ भी मास दिया हो, कुछ भी रेडियस दिया हो। दूसरा बेटा, कटे हुए का मास पर यूनिट एरिया से निकाल लो, टोटल मास टोटल एरिया इंटू छोटा एरिया जो कटा गया है बेटा, उससे मास निकाल लो, कुछ मास दिया होगा रेडियस वो पुट करो बेटा, कॉन्सेप्ट एक है। इसके बाद बेटा जो कटा हुआ है उसका अपना कोई एक्सिस मान लो, सी जी मान लो, फिर उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल लो। ओ डैश के अलॉन्ग निकालोगे तो इसका मास एम वन है, ध्यान रखना ये क्या बन गया है, आई सी जी प्लस एम डी स्क्वायर हो जाएगा। पहले वाले का जो पूरे का सी जी है और जो कटा हुआ उसके सी जी का बीच का सेपरेशन डी बना लिया करो, सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, जैसे आर बाई टू है, ये टोटल आर था तो सब्ट्रैक्ट कर दिया गया बेटा, टू आर माइनस इतना, तो ये हमारा डी बन गया। तुरंत ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया इसका आ गया आई सी जी, यानी बेटा एम वन इंटू डिस्क है तो हाफ एम वन इंटू आर बाई टू का होल स्क्वायर प्लस हो गया एम वन डी स्क्वायर, यहां पर यही लिख दिया गया बेटा, ये हो गया। एम वन की वैल्यू रख देना, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। आगे चलें बच्चे, तो घर पे करना और ज्यादा तो कल हम लोग और क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन है बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन, कल सब बच्चे क्वेश्चन के लिए रेडी रहना, ढेर सारे क्वेश्चन कर लेंगे, उसी समय प्रैक्टिस कर लेंगे, सारे स्टेप चारों क्लियर होना चाहिए। रेडियस ऑफ गायरेशन सभी बच्चों को पता है, एक्सिस से वो डिस्टेंस जहां पे टोटल मास कंसंट्रेट हो बेटा, हाँ एक्सिस से वो डिस्टेंस जहां पे टोटल मास कंसंट्रेट हो उसको रेडियस ऑफ क्या कहा जाता है, गायरेशन कहा जाता है। तो आई बराबर एम के स्क्वायर होता है, के ही रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो के बराबर अंडर रूट आई अपॉन एम होता है। मैंने बच्चे ट्रिक सिखाया था, किसी भी शेप का, डिस्क हो, रिंग हो, सॉलिड स्फीयर हो, हालो स्फीयर हो, कोई हो बेटा, किसी का के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर वो होता है जो उस मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम आर स्क्वायर के पहले संख्या होता है। बच्चों याद करो, जैसे मान लो किसी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया हाफ एम आर स्क्वायर होगा, तो एम आर स्क्वायर से पहले हाफ होगा, तो इसका के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधा। याद करो बच्चों, भूला नहीं होगा, मैंने सिखाया था किसी का के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर निकालना हो, एम आर स्क्वायर से पहले जो संख्या छिपा होगा वही उसका के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर होगा। और अगर किसी का के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर भाई वन हो जाए तो वो क्या हो सकता है, सारे बच्चों का जनरल नॉलेज चेक हो रहा है, अगर किसी भी दिए गए दसों सेप का के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर वन हो जाए तो वो सेप क्या क्या हो सकता है, रिंग ऑप्शन है, रिंग डिस्क हालो सिलेंडर हालो स्फीयर आपका सॉलिड स्फीयर हालो बेटा सेल है, ढेर सारे ऑप्शन हो गए, हालो सिलेंडर हो गया आपका, हालो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर, अगर दिए गए चीजों में से के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर बराबर एग्जामिनर वन कह देता है तो वो कौन सा शेप हो सकता है, क्या वो रिंग हो सकता है, क्या वो डिस्क हो सकता है, क्या वो हालो सिलेंडर हो सकता है, क्या बन सकता है बेटा, यस दो बन सकते हैं, सारे बच्चे एक आंसर लिख रहे हैं, बच्चों दो बन सकता है, विजय दो बन सकता है, दो दो बन सकता है, यस सब बच्चों का आंसर आने लगा, एक रिंग बन सकता है, एक हॉलो सिलेंडर बन सकता है, क्योंकि हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्सिया रिंग ही होता है बेटा, हॉलो सिलेंडर को अगर ऐसे कट कर दोगे बेटा तो क्या बनेगा, रिंग का ही शेप कटता चला जाएगा, तो हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा बेटा वो रिंग का ही होगा, तो अगर किसी का के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर वन हो तो वो बेटा रिंग हो सकता है या हॉलो सिलेंडर हो सकता है, यस गुड। तो देखो यहां मैंने दो एक लिख दिया है, यस बिल्कुल बेटा मैंने दो एक लिख दिया बेटा, जो आपको आता है यही इसका ट्रिक है,
रिंग के लिए आई बराबर एम आर स्क्वायर है, आई बराबर एम के स्क्वायर, दोनों को इक्वेट किया जाता है तो के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ये तो मैंने एक दो का दिखाया, आपके दिमाग में एकदम सेफ होना चाहिए, कोई भी सेफ हो उसका के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर उतना होगा जितना उस दिए गए सिस्टम का एम आर स्क्वायर से पहले संख्या छिपा होगा। एम आर स्क्वायर से पहले संख्या छिपा होगा, एम आर स्क्वायर से पहले यहाँ वन छिपा है तो वन हो गया, यहाँ हाफ छिपा है तो हाफ हो गया बेटा, ऐसे सब के लिए वैलिड होगा। क्लियर है बच्चे? हाँ बच्चे, फिर से एक बार क्लियर कर लो, किसी भी सिस्टम का अगर के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर निकालना है तो उतनी संख्या होगी जितना दिए गए सिस्टम में एम आर स्क्वायर से पहले संख्या छिपी होगी। देखो रिंग का निकालना है बेटा तो एम आर स्क्वायर से पहले एक छिपा है तो के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर वन हो गया। डिस्क का निकालना है तो एम आर स्क्वायर से पहले एक बटा दो छिपा हुआ है तो के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर बराबर एक बटा दो। मान लो सॉलिड स्फीयर होता तो यहाँ दो बटे पाँच एम आर स्क्वायर होता तो उसका के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर बराबर दो बटा पाँच होता बेटा। तो एकदम जबान पे होना चाहिए, किसी का के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर उतना होगा जो उस दिए गए सिस्टम का एम आर स्क्वायर से पहले संख्या छिपा होगा वही होगा बेटा। चलें जल्दी से इसका आंसर बोलें। रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन ध्यान रखना, एक्सिस डायमीटर के अबाउट पास कर रहा है, डिस्क है डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर अपान फोर होता है, कह रहा है इसका रेडियस ऑफ गायरेशन बता दो। डिस्क है, एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, एक्सिस डायमीटर से पास कर रहा है, अगर डायमीटर से पास कर रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन बाई फोर एम आर स्क्वायर होगा। और अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, ओरल भी कर सकते हैं बेटा, ये बन गया इसका रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है तो आई बराबर कितना होता है एम के स्क्वायर हो गया। हम लोग डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, इतना सब क्यों कहानी करें, के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इसका वन बाई फोर हो गया। तो यहाँ से बेटा हमें के स्क्वायर लाना है, बराबर हो गया आर स्क्वायर अपान फोर के हो गया, तो यहाँ से के बराबर क्या हो गया आर बाई टू, बी ऑप्शन गुड, आर बाई टू। क्लियर है बच्चे? तो के स्क्वायर हो गया आर बाई टू। हम लोगों को कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखना है, हम लोगों को पता है बेटा कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है अगर किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल टार्क का मान जीरो हो जाए। जैसे हम लोग बेटा लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं तो वहाँ पे अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कि अगर एक्सटर्नल फोर्स का मान जीरो हो जाए तो मोमेंटम कंजर्व होता है, और यहाँ पे रोटेशन के चीज़ों में बेटा फोर्स के स्थान पे टॉर्क होता है। सिमिलरिटी आपको मेन क्लास में पढ़ाया गया है कि जो स्ट्रेट लाइन में फोर्स होता है वो घूमती हुई चीज़ों में टॉर्क हो जाता है बेटा। तो अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, सारे बच्चों के जबान पे होगा। टॉर्क बराबर डी एल अपॉन डी टी होता है, यल हमारा एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो अगर टाउ जीरो होगा तो डी एल अपॉन डी टी जीरो होगा, तो यल का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ध्यान रखें यल कांस्टेंट हो गया, एल बराबर आई ओमेगा होता है तो आई ओमेगा कांस्टेंट होगा, जरूरत होने पे ओमेगा इन्वर्सली वन अपॉन आई होता है। ढेर सारे एग्जाम्पल दिए थे बेटा कि इसका बहुत एग्जाम्पल अपने पास मिलता है, मानो नेचर में भी मिलता है, ओमेगा इन्वर्सली वन अपान आई। जब हम राउंड टेबल पे बेटा बैठते हैं और अगर अपने आर्म को फैला लें तो आर का मान बढ़ जाता है, ओमेगा का मान कम हो जाता है। अगर हम हाथों को अपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ले लें तो सीजी हमारा ये बनेगा, आर का मान कम हो जाएगा बेटा, ओमेगा का मान बढ़ जाएगा। दिखाए थे एग्जाम्पल बेटा कि राउंड टेबल पे अगर मम्मा हम लोगों को बैठा दें और एक्सरसाइज हम लोग करें बेटा, तो अपने आर्म को फैला के और कॉन्ट्रैक्ट करके हम टेबल का स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे? ये बेटा ओमेगा इन्वर्सली वन अपान आई होता है और आई इन्वर्सली आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखो यही बन गया है, ये हमारा बन गया है, सभी बच्चों को एकदम पता है जे बराबर या एल बराबर आई ओमेगा।
आई ओमेगा कांस्टेंट होगा तो ओमेगा इन्वर्सली वन अपान आई इन्वर्सली वन अपान आर स्क्वायर, तो आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग देखें, ये देखो एक अंकल हैं जो राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं। देखें ये हमारा एक राउंड टेबल हो गया है, देखो ये राउंड टेबल है भाई, राउंड टेबल पे अंकल हमारे बैठे हैं, इनके ये हाथ हैं बेटा, पूरा सिस्टम ऐसे रोटेट हो रहा है, ये देखें इनके हाथ हैं, ये इनका सी जी हो जाएगा बेटा, कन्फर्म है। अगर अंकल अपने हाथ को बेटा, देखें ये अंकल हैं, अंकल अपने हाथ को अगर कम ज़्यादा कर लें, देखो जब ये अपने हाथों को ऐसे फैला लेते हैं, चूँकि हाथ हमारा दिखेगा नहीं, छिप जाएगा बेटा, तो ये देखो यही आर बन गया है, ये देखो आर हो गया है। और अगर आर का मान ज़्यादा हो गया, आर का मान ज़्यादा हो जाएगा बेटा, तो ओमेगा का मान कम हो जाएगा, टेबल धीमे हो जाएगी। और अगर अंकल अपने हाथों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले बेटा, तो ये सी जी हो गया, यहाँ से डिस्टेंस कम हो जाएगा बेटा, आर का मान कम होगा, ओमेगा बढ़ जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छे अच्छे बताए थे बेटा, बैलेट डांसर भी यही काम करता है। जब हम लोग ऊपर से नीचे पानी के अंदर कूदते हैं, जंप करते हैं बेटा, तो अपने बॉडी को ऐसे सिकोड़ लेते हैं, जिससे बेटा आर का मान कम हो जाए और ओमेगा का मान बढ़ जाए, और हम लोग नदी में बेटा तैर सके, यानी कलाइयाँ ले सके बेटा उसमें। तो सारे एग्जाम्पल आपको बताए हैं, ये देखो एक दीदी है, देखो एक दीदी है, आज इसको खाना नहीं मिला था, मम्मा ने कहा था तुम पढ़ती नहीं हो दीदी, इसीलिए अपने हाथ को फैला के रखो। देखो बेटा, देखो ये दीदी है, ये पढ़ नहीं रही थी, तो मम्मा ने इसको सजा दिया था कि टेबल पे बैठ जाओ और अपने हाथ को फैला लो। अब दीदी कब तक अपने हाथ को फैलाए रखती भाई, थक गई थी तो धीरे से जब मम्मा किचन में चली गई तो अपने हाथ को इसने बेंड कर लिया। बच्चों देखो, ये जो दीदी है हाथ ऐसे फैलाई थी, हाथ दर्द करने लगा। बच्चों आप लोग भी कर सकते हो तो दर्द करेगा, तो जैसे मम्मा किचन में गई दीदी हाथ ऐसे कर ली, देखो ऐसे कर ली। तो यही क्वेश्चन बन गया कि जब दीदी हाथ को बेंड कर ली है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर ली है, तब बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ओमेगा क्या होगा। चलें भाई, हाँ, दीदी का हाथ जब दर्द करने लगा और हाथ को बेंड कर लिया उसने, ऐसे कर लिया बेटा, तो निश्चित है आर का मान कम हो जाएगा, ये आर बना, आर का मान जैसे कम हो जाएगा बेटा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा बेटा, आई का मान क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। चलो भाई, हाँ, तो दीदी को सजा मिला था क्योंकि दीदी पढ़ नहीं रही थी भाई, तो मम्मा क्या करेगी, है ना। हाँ, तो आप लोग भी बच्चे पढ़ो, नहीं तो मम्मा ऐसे करेगी। अंजलि, ऐसी सजा मिली बेटा कभी कभी? अंजलि अक्सर बदमाशी कर लेती है, उसको मिल गया होगा सजा। अंजलि ऐसा सजा मिला बेटा? हाँ अंजलि है भाई। हाँ चल, हाँ नहीं, बॉयज बॉयज तो बेचारे, बॉयज को ऐसी सजा मिलती नहीं, वो जुगाड़ लगा लेते हैं, अपना हाथ वात कहाँ बेचारे फैलाएंगे, कहाँ इतना डिसोबे कर देते हैं। हाँ चलो, यस बेटा, तो एकदम याद रखना, नेक्स्ट है हमारा टॉर्क है, टॉर्क है बेटा, टॉर्क बराबर सबको पता है, क्लास मेन क्लास में दसों क्वेश्चन कराए थे बेटा, कम से कम डेढ़ घंटे टॉर्क का ही क्वेश्चन कराए थे। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा, जहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं वहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको फोर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टॉर्क आता है। क्लॉकवाइज के लिए टॉर्क बेटा निगेटिव होता है, और एंटी क्लॉक के लिए टॉर्क कैसा होता है, पॉजिटिव। मैंने बताया भी था बेटा कि जहाँ से एक्सिस होगा जिसके अबाउट टॉर्क निकाला जाएगा, ये वो बच्चा होगा जिसका हैप्पी बर्थडे होगा, और बचे हुए जितने पॉइंट होंगे बेटा सब वो दोस्त होंगे जो हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। सब हैप्पी बर्थडे कैसे बोलते थे, शॉर्टेस्ट पाथ को लेते थे, सबके शॉर्टेस्ट पाथ को मिलाते थे, या तो क्लॉक होता था या तो एंटी क्लॉक होता था बेटा, वहाँ से हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव का नेचर निकाल लेते थे और बेटा सम कर देते थे, टोटल टॉर्क आ जाता था। क्लियर है बच्चे? हाँ यस, हाँ वैरियर भाई, वैरियर जो है नई पिटाई होता वैरियर की। नहीं, गर्ल्स तो बदमाशी करती ही नहीं बेटा,
बदमाशी तो केवल बॉयज करते हैं, गर्ल्स तो बेचारी बहुत अच्छी होती हैं, गर्ल्स बदमाशी वगैरह नहीं करती हैं भाई। हाँ, घर में गर्ल्स लोग कहाँ बदमाशी करती हैं भाई, मम्मा को डरती हैं, सिर्फ बॉयज लोग दादागिरी करते हैं। तो क्लॉक वाइज में टॉर्क निगेटिव होता है और एंटी क्लॉक में बेटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया गया है आर क्रॉस एफ होता है। ये भी नीट में बहुत क्वेश्चन आता है, ये वेक्टर का भी क्वेश्चन और यहाँ भी है बेटा। क्वेश्चन में आर दिया होगा एफ दिया होगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाएगा और टॉर्क आ जाता है। वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट आपको सिखाया गया है कैसे होता है। चलो आज अभी हम लोग टॉर्क का क्वेश्चन नहीं करेंगे, कल क्वेश्चन करेंगे बेटा टॉर्क का। टॉर्क का दूसरा फार्मूला आप जानते हैं बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। अभी जस्ट पढ़े हो डीएल अपॉन डीटी, तो डीएल कौन होगा एंगुलर मोमेंटम का चेंज। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और अभी यूआईटीएस में एक बार या किसी टेस्ट में पूछा गया था बेटा। एल टू और एल वन दिया था, समय का टाइम इंटरवल दिया था। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बनता है कि जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है वो एल टू माइनस एल वन और टाइम का टाइम इंटरवल टी टू माइनस टी वन हो गया। तो ये एल टू माइनस एल वन हो गया और ये क्या बन गया, टी टू माइनस टी वन। ये हमारा कौन बन गया, टॉर्क बन गया बेटा। सब अच्छे होते हैं, नजरिया अच्छा होना चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल, आप सही बात लिखा गया है, सब अच्छे होते हैं, नजरिया अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, चलो बच्चे हमारे सब बहुत समझदार हो गए हैं। हाँ सब अच्छे होते हैं, कोई खराब नहीं होता बेटा। ये तो हम लोग इंजॉय में कर लेते हैं, जिससे हाँ तुम लोग एक दूसरे से थोड़ा बहुत झगड़ा वगैरह कर लेते हो बीच में, हाँ थोड़ा एनर्जेटिक हो जाते हो, बस इसलिए बोल देते हैं। हाँ तो ये बन गया बेटा एल टू माइनस एल वन अपान हो गया टी टू माइनस टी वन हो गया। हाँ क्योंकि अंजलि ज्यादा बात सुन नहीं पाती है तो गुस्सा हो जाती है थोड़ा सा, है ना। हाँ और ये बेटा फार्मूला सभी बच्चों को पता होगा, टाउ बराबर क्या होता है, आई अल्फा। जरूरत पे टाउ बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर होता बेटा। जब आप देखोगे अभी तो फोर्स हमारा टेंशन भी बन जाता है और एमजी भी बन जाता है जरूरत के अनुसार पे। और डिस्क है, अगर रिंग है, सिलेंडर है, तो उसका रेडियस परपेंडिकुलर बन जाता है बेटा। तो ये सब हम पढ़ाए हैं और लिखा भी देंगे, अभी देखेंगे फिर हम लोग। देखें चल, डिफरेंट टाइप्स का एनर्जी होता है बेटा। हाँ एक होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हाफ एम बी स्क्वायर होता है। रोटेशनल जो होता है बेटा वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। देखें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जरूरत होने पे बेटा ओमेगा के स्थान पे बी स्क्वायर अपान आई स्क्वायर पुट कर सकते हो और आई के स्थान पे एम के स्क्वायर पुट कर सकते हो। आई बराबर एम के स्क्वायर, ओमेगा बराबर बी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, दोनों को समेशन कर दोगे तो हाफ एम बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे, वन प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर कर सकते हो। यानी जहां जैसा नीड होगा वैसा यूज कर लोगे, आई के स्थान पे एम के स्क्वायर भी पुट कर सकते हो। तो ये वैल्यू आ जाएगा बेटा हाफ एम के स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। जब दोनों को समेशन करोगे तो जरूरत होने पे हाफ एम बी स्क्वायर कामन हो जाएगा बेटा और के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी दिया हुआ है, हाफ एम बी स्क्वायर बन गया वन प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। और अब आ गया बेटा कि जब दो चीज़ों को हम लोग डिवाइड करते हैं, और सारे बच्चों को उस समय भी कहा गया था कि इसको कॉन्फिडेंशियल याद कर लेना बेटा, कि रोटेशनल अपान टोटल कितना होता है या रोटेशनल अपान काइनेटिक क्या होता है या काइनेटिक अपान टोटल क्या होता है, इसका फार्मूला एकदम जबान पे याद होना चाहिए बेटा। तो चलो मैंने लिख भी दिया है और यहाँ पे मैंने की पॉइंट कर दिया है कि इसको नोट करना है और याद रखना है। अगर टोटल एनर्जी अपान काइनेटिक एनर्जी किया जाए तो वन प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, नीट में दो बार रिपीट भी हो गया। सिलेंडर हो सकता है, डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकता है बेटा। टोटल एनर्जी अपान काइनेटिक एनर्जी, उसका के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर पता रहेगा। अगर ये रिंग होता बेटा तो टोटल एनर्जी अपान काइनेटिक एनर्जी अगर पूछा जाता
तो आंसर 2 हो जाता, क्योंकि रिंग का के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर सी जी के अबाउट 1 होता है, तो 1 + 1 = 2। देख के टिक मार सकते हो। डिस्क होता बेटा तो यहाँ पे हाफ हो जाता, 3/2 हो जाता। तो क्वेश्चन आप सबका के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर निकालना जानते हो, फट से रख दिया करो। और अगर टोटल अपान रोटेशनल होता है तो 1 + r² / k² होता है, ध्यान रखना। सारे बच्चों को एकदम याद होना चाहिए। अभिषेक यादव, कुछ क्वेश्चन में अभिषेक कह रहे हो बेटा? अभिषेक यहां कोई डाउट है? अगर ये अपने आर को कम करेगा, अभिषेक देखो बेटा अगर यहां डाउट है चेक कर लो। ये बन गया यहां से ओमेगा इनवर्सली 1/i हो गया, इनवर्सली हो गया 1/r². आर का मान यहां पे घट गया बेटा, आर का मान घट गया है, ध्यान रखो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमारा, हाँ बच्चे गलत हो गया है, देखो ये क्वेश्चन गलत हो गया। बच्चों ध्यान से देखो, आर का मान कम हुआ, आर का मान कम हुआ तो आई का मान कम होगा, ओमेगा का मान बढ़ जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन गलत, सही करो। बच्चों ये क्वेश्चन सही करो। अभिषेक ने देखो याद दिलाया, ओमेगा इनवर्सली 1/i के होता है, आई प्रोपोर्शनल mr² होगा। बच्चे आर का मान अगर घट जाएगा तो आई डिक्रीज कर जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा। तो आर का मान देखो, सारे बच्चे गलत टिक लगवा दिए। बच्चे सही करो, बच्चों सही करो। सारे बच्चे देखो गलत टिक लगवा दिए। पूजा कहाँ पे रहती है बेटा? आर का मान डिक्रीज हो गया तो आई भी डिक्रीज हो जाएगा, ओमेगा बढ़ेगा। तो दो आंसर हो सकता है, आई डिक्रीज ओमेगा इंक्रीज। तो ओमेगा इंक्रीज है नहीं बेटा, तो इसका मतलब आई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, आंसर फर्स्ट होगा। सारे बच्चे आंसर सही करो। थैंक्स अभिषेक बेटा, थैंक्स। देखो अभिषेक देखा, तुम लोग भी ध्यान नहीं दिए, हम भी जल्दी से ध्यान नहीं दिए बेटा। आर का मान घटा तो आई घटेगा, प्रोपोर्शनल है बेटा, आई घटेगा ओमेगा बढ़ेगा। तो दो ऑप्शन हो सकता है, आई घटे ओमेगा बढ़े बेटा। यस, सभी बच्चे भाई ठंडे पानी से मुंह धुले। हाँ गलती हुई भाई, चलो। तो सभी बच्चों के एकदम जबान पे होगा ये फार्मूला, एकदम दिमाग में रहना चाहिए बेटा। और अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, ध्यान से देखो, कि अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए, तो आप प्रूफ करोगे बेटा के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर बराबर 1 दिखेगा। बच्चे चेक कर लो, अगर किसी क्वेश्चन में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर बराबर हो गया हाफ एम के स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, तो ये बन गया बी स्क्वायर हाफ एम कैंसिल बेटा, यहां से देखो आ गया 1 हो गया, और इधर क्या बचा के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो क्या दिख गया बेटा, के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर कितना दिख गया है, 1 के दिख गया है, तो ध्यान रखना। तो अगर कहीं पे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को बराबर कर दिया जाए तो के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा बेटा। और इस केस में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रिंग भी बन सकता है बेटा और हालो सिलेंडर भी बन सकता है, ध्यान रखना। यही सब क्वेश्चन बेटा ऐसे तर्क वितर्क करके देते हैं। हाँ वैरियर, अभी तो बेटा 2 दिन से लखनऊ में गर्मी थोड़ा सही है। वैरियर 2 दिन से लखनऊ में गर्मी सही है बेटा, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है। कल तो बदली था और परसों भी थोड़ा बदली था बेटा, और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुआ है शहर के अंदर, तो थोड़ा मौसम नॉर्मल हुआ है परसों से, और इससे पहले तो बड़ा खतरनाक मौसम था बेटा। चलें जल्दी से क्वेश्चन देखें। कह रहा है एक बॉडी रोल कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, और उसका ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो बॉडी क्या हो सकता है? सभी बच्चे देख के टिक मार देंगे, बॉडी क्या हो सकता है, हॉलो सिलेंडर हो सकता है। गुड बेटा, चलो अब देखो सारे बच्चों को ये फार्मूला एकदम जबान पे होना चाहिए, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो कोई क्वेश्चन यहां से बन सकता है। उसका नेट फोर्स ma के बराबर होगा, a = r α के बराबर होगा, लीनियर एक्सीलरेशन,
टाउ बराबर आई अल्फा होगा और टाउ बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। दोनों को जब मिलाओगे बेटा तो आई अल्फा बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर होगा। ध्यान रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, अगर अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो ये कोई भी न्यूमेरिकल में डाटा जरूरत पड़ सकती है बेटा। ए इज द लीनियर एक्सीलरेशन, आर उसका रेडियस हो सकता है, उसका मास हो सकता है, फोर्स के स्थान पे एमजी हो सकता है, टेंशन हो सकता है बेटा। तो ये फार्मूले का कलेक्शन बार बार जरूरत पड़ेगी, सारे बच्चे यहाँ पे इसको सेव कर लें अच्छे से। देखो यहाँ पे मैंने बनाया भी है, ये देखें, ये हमारा कोई भी सेप हो सकता है, डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, इसमें टेंशन टी हो सकता है, वेट इसका एमजी। तो जरूरत होने पे बेटा टी हमारा एमजी को रिप्रेजेंट कर सकता है, परपेंडिकुलर आर हो सकता है। तो ध्यान रखना जो अभी ये पढ़े हो, टाऊ बराबर आई अल्फा, टाऊ बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, तो फोर्स बराबर टेंशन भी हो सकता है और फोर्स बराबर एमजी भी हो सकता है। तो इसका इक्वेशन बनेगा आई अल्फा बराबर टी आर हो जाएगा, परपेंडिकुलर रेडियस होगा बेटा, तो आई अल्फा बराबर टी आर, आई अल्फा बराबर एम जी आर हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यही इसका खेल है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका रेडियस बनेगा, फोर्स के स्थान पे टेंशन हो सकता है, फोर्स के स्थान पे वेट एम जी हो सकता है, कोई भी दोनों में से आंसर आ सकता है बेटा। और ये यहाँ पे मैंने लिख दिया डाटा फिर से, टाउ बराबर आई अल्फा, टाउ बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर यानी टी इंटू आर होगा, आई अल्फा बराबर टी अल्फा आर के होगा। और ये जरूरत होने पे बच्चे आई अल्फा बराबर, ध्यान से देखें, आई अल्फा बराबर ये हो सकता है, टी के स्थान पे एम जी हो सकता है और आर हो सकता है, जैसा जरूरत होगा वैसा यूज करना। हाँ बिल्कुल, तो सभी बच्चों के पास फार्मूला नोट ही होगा, और जब टेलीग्राम पे जाएंगे जो नए बच्चे हैं वो अपना नोट भी कर सकते हैं, इसको बार बार दिमाग में रखना है। चलें क्वेश्चन देखें। एक रोप है, बिल्कुल यही पिक्चर ही बना हुआ है, ऐसे देखो, ऐसे इस पे हॉलो सिलेंडर ऐसे लटका दिया गया बेटा, और इस पर देखो एक फोर्स है, इसको पुल किया जा रहा है, फोर्स इसको 20 न्यूटन से पुल किया जा रहा है बेटा, इसको 20 न्यूटन के फोर्स से क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है। कह रहा है इसमें कितना एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा बेटा, रोप पुल्ड बाई फोर्स इतना, एंगुलर एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, तो फोर्स इसमें पुल होगा जो टेंशन का काम कर लेगा, ये कितना हो जाएगा 20 न्यूटन हो गया, इसका रेडियस आर बन गया बेटा, मास इसका कितना है 4 केजी है। कह रहा है इसका अल्फा बता दो कितना होगा, जस्ट अभी फार्मूला पढ़ा गया है, बिल्कुल जबान पे होना चाहिए, आई अल्फा बराबर हो गया जरूरत होने पे बेटा टी आर के हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। सिलेंडर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर हो गया, अल्फा हो गया बराबर टी आर के हो गया। यहाँ से बेटा आर से आर हमारा कैंसिल हो गया, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 2T अपॉन किसके हो गया, एम के हो गया, 2 हो गया। टेंशन का मान 20 है, मास का हमारा मान कितना आ गया है, मास हमारा आ गया है 4 kg आ गया बेटा, तो ये आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन। 10 चेक करो बच्चों, चेक करो 10 आ रहा है। आई अल्फा बराबर डी आर, देखो आई अल्फा बराबर टी आर हो गया बेटा। सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया हाफ एम आर स्क्वायर होगा, बच्चे ध्यान से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्सिया हाफ एम आर स्क्वायर होगा, ये अल्फा बन गया, टी और आर बना, आर से आर कट गया बेटा, तो अल्फा बराबर 2T अपान एम हो गया, टेंशन हमारा 20 है, मास हमारा 4 kg है, 40/10 बराबर 10 आ गया, बच्चे सही करो। अच्छा हाँ, एक आर नीचे बचा हुआ, सॉरी बेटा, एक आर नीचे बच गया, आर एक नीचे बच गया है, बिल्कुल बेटा एक आर नीचे बच गया, सॉरी बेटा सॉरी, 20 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कर लो, 10^-2 हो गया, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, 20 से 20 कैंसिल हो गया है, बराबर ये आ गया है, सीधा आ गया बेटा 0.5 आ गया है। अरे रेडियस इसका 20 सेंटीमीटर है, 10^-2 बेटा, तो ये हो गया हमारा 20, अच्छा टेंशन भी 20 है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा,
ये बन जाएगा बेटा सीधा आंसर इसका आ रहा है 0.5 हो गया है, और ये बन गया है 100 हो गया है, तो ये तो बेटा आ रहा है 50 आ रहा है बेटा, ये 50 कोई आंसर है नहीं बच्चों, देखो 50 आ रहा है बच्चों, एक बार चेक करो। कल्पना बेटा हाँ, किशन पाठक हाँ, टमाटर बेचने की बात बेटा, 50 आ रहा है आंसर, चेक करो बच्चे, 50 आ रहा है बच्चों। अच्छा हॉलो सिलेंडर है, सॉरी 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 बच्चे, सॉरी हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का बेटा MR2, सॉरी बच्चे, सॉरी सॉरी सॉरी, हॉलो सिलेंडर है बच्चे, हॉलो सिलेंडर, सॉरी बेटा, हॉलो सिलेंडर का MR2 होता है। पूजा देख बेटा, क्लास 6 फेल बेटा, पूजा देखो T/N हो गया, MR हो गया, T का मान 20, मास का मान 4 kg, और ये बन गया बेटा ऊपर गया 100 हो गया, तो ये हो गया हमारा 20 हो गया, रेडियस हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 100, 20 से 20 कैंसिल, बराबर 25, बिल्कुल बेटा 25 बच्चों, 25 सुधीर सर क्लास 6 फेल, सुधीर सर क्लास 6 फेल भाई, देखो हाँ बिल्कुल भाई, देखो हालो सिलेंडर है ये, बड़ा खतरनाक है बेटा, देख लिया करो सॉलिड है कि हालो है, सॉलिड का ½ MR² होता है और हालो का MR² रिंग की तरीके से काम करता है, जब हालो, अभी देखो 5 बार बोले और ध्यान नहीं दिए बेटा, हालो सिलेंडर MR² जो रिंग की तरीके से काम करता है 25। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास दिया है बच्चे, रेडियस दिया हुआ है, और फ्री टू रोटेट कर रहा है मासलेस स्ट्रिंग से, उसके चारों तरफ लपेट दिया गया है। अब बेटा सॉलिड सिलेंडर है, अंडरलाइन पहले इसे कर दे रहे हैं, कह रहा है कितने टेंशन की रिक्वायरमेंट होगी अगर उसका एंगुलर एक्सीलरेशन 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड² है। एक्सीलरेशन 2 रिवोल्यूशन है बेटा, ध्यान रखना, एक्सीलरेशन 2π, ध्यान रखना एक्सीलरेशन 2π रिवोल्यूशन, तो जस्ट अभी किया गया है बेटा, सीधा आ गया है TR बराबर हो गया है IA के हो गया है, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट रख सकते हैं, टी हो गया, आर हो गया, ये बन गया ½ MR² हो गया इंटू अल्फा बेटा, आर से आर कैंसिल हो गया, देखते रहना भाई बच्चे, टी बराबर हो गया, ये हो गया MR/2 इंटू हो गया अल्फा, मास का मान 50, अब रख लेना बेटा सबकी वैल्यू, सबकी वैल्यू रख लेना और सॉल्व कर लेना। सारे बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चों का सी ऑप्शन, कुछ बच्चों का डी ऑप्शन, बराबर हो गया यहाँ, चलो हम सॉल्व कर दे रहे बेटा जल्दी से, कुछ बच्चों का सी कुछ बच्चों का डी, एम का मान 50 है, रेडियस हमारा हो गया है 0.5, 1/2 हो गया है, अपान 2 हो गया बेटा यहाँ से आ गया है, और ये हो गया हाँ सीधा, ये बन गया बेटा पूरा बन जाएगा 2π बन जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अच्छा 2πn सॉरी बेटा, 2 रिवोल्यूशन कर रहा है तो 1 का 2π 4π होगा बेटा, बिल्कुल 4π, 1 रिवोल्यूशन का 2π होगा, तो 2 रिवोल्यूशन का बेटा 4π हो जाएगा, बिल्कुल 4π, तो ये बन गया हमारा 4 से 4 कैंसिल हो गया 50π बच्चों, 50π 1 रिवोल्यूशन का 2π, तो 2 रिवोल्यूशन का 4π, 50π बेटा 50π। चलो ये क्वेश्चन देखें, चलो कर लेना इसको होमवर्क में डाल देते हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन है बेटा जैसे अभी किया गया है, तो कर लेना इसको। अब चलो रोलिंग की बात आती है बेटा, रोलिंग हम लोग जानते हैं कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों का समेशन है, रोलिंग का मतलब बेटा ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों का समेशन को रोलिंग कहा जाता है, और ये रोलिंग दो हो सकता है, एक हॉरिजेंटल प्लेन पे हो सकता है बेटा और एक इंक्लाइन प्लेन पे होता है। सारे बच्चों को बेटा
सारे डाटाज एकदम जबान पे होना चाहिए कि जब ये इंक्लाइन प्लेन पर होगा तब कैसे होगा और जब ये हॉरिजेंटल प्लेन पर होगा तब कैसे होगा, दोनों को देखना होगा बेटा। तो देखो हमने स्लाइड ले लिया है, जो आपको याद है बस केवल दिखाना है, इसीलिए बेटा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसलेशनल मोशन है ये, ऐसे बेटा रोल कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन है, ऐसे चल रहा है बेटा। तो इसका मतलब है ट्रांसलेशनल मोशन के हर पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास बेटा जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा, यानी सबका वेलोसिटी समान, हर पॉइंट का वेलोसिटी समान, चाहे वो सेंटर पर हो, चाहे बॉटम पर हो, चाहे टॉप पे हो, सब पर बेटा वेलोसिटी का मान समान होगा। देखो दिखा दिया गया है, हर पॉइंट पर वेलोसिटी का मान समान होगा और ये किसके बराबर होगा, आर ओमेगा के बराबर होगा। तो BCM, 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 सबका बेटा वेलोसिटी क्या हो गया है, सेम। ये बेटा सीधा सीधा जा रहा है, अगर ये रोटेट होता है ऐसे तो ये वाला बी का वेलोसिटी नीचे हो जाता, ये वाला वेलोसिटी इधर हो जाता और ये वाला वेलोसिटी इधर होता, क्योंकि ऐसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज बेटा। एंटी भी घूम सकता है, क्लॉक भी घूम सकता है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये हमारा ट्रांसलेशनल हो गया, इसके बाद ये रोटेट कर रहा है, देखो रोटेट कर रहा है बेटा, तो जो टॉप का होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे जब ये घूमता जाएगा, ऐसे घूमता जाएगा तो यहाँ का वेलोसिटी ये बन गया, इधर का इधर मुड़ गया, इधर का इधर मुड़ गया, दोनों को मिला दो बेटा रोलिंग हो जाएगा। सारे बच्चों के जबान पे होता है सर रोलिंग मोशन में बॉटम पे वेलोसिटी जीरो होता है, टॉप पे वेलोसिटी टू टाइम समेशन हो जाता है, डायगोनल पर वेलोसिटी एक इधर तो अंडर रूट टू बी सी एम हो जाता है, यहाँ का भी वेलोसिटी अंडर रूट टू बी सी एम होता है, और जनरल किसी पॉइंट पर हम लोग आई जे के रूप में निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बेटा रोटेशनल का हो गया है, दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रोलिंग, और सारे बच्चों के जबान पे रहता है। ये देखें ये अलग अलग मैंने बना दिया है, इसके बाद दोनों को मिक्स कर दिए। टॉप पे देखो इसका और इसका समेशन किया गया तो टू टाइम्स हो गया, इसका बेटा और इसका समेशन किया गया, दोनों को मिलाया गया तो ये इधर है अंडर रूट हो गया है सेम बेटा। ऐसे जो इधर बना हुआ है, इधर और इधर बना हुआ है, अंडर रूट टू हो गया, बॉटम का एक इधर है तो क्या हो गया, जीरो। तो सारे बच्चों को केवल मैंने दिखाने के लिए सेम स्लाइड ले लिया बेटा, इतने बड़े को मैंने बनाया नहीं, ये क्लास वाली ही स्लाइड मैंने ले लिया है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था बनाने का, सारे बच्चों के जबान पे था, केवल दिखाना था, और बार बार बच्चे पीपीटी वगैरह तो देखते ही रहते हैं, तो इसीलिए कुछ हमने बनाया नहीं बेटा, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे अलग से भी बना हुआ है, टॉप पर 2BCM हो गया, बॉटम का जीरो हो गया, ये अंडर रूट टू हो गया, यहाँ भी अंडर रूट टू टाइम्स हो गया, जो सब बच्चों के जबान पे है। अब चले फटाफट टिक लगा दें, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, वेलोसिटी पे टिक लगाएं, मोशन क्लॉक वाइज है, सारे बच्चे टिक लगा दें बेटा। चलो सब बच्चों के एकदम जबान पे है, केवल दिखाना था मुझे और कोई काम नहीं करना था, क्योंकि इतने सब डेप्थ में पढ़ा दिए गए हैं, केवल दिखाना था। बॉटम का जीरो होता है, टॉप का टू टाइम्स होता है और डायगोनल का अंडर रूट टू हो जाता है बेटा, सब बच्चों के जबान पे है, गुड। चलें हाईएस्ट पॉइंट पर कितना होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा, रोलिंग के केस में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, सारे बच्चे टिक मार रहे हैं सर, थर्ड ऑप्शन 2B के बराबर होगा, सारे बच्चे टिक मार रहे हैं सर 2B के बराबर होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा वो आ जाएगा 2B के बराबर, गुड बेटा एकदम सही। हाँ सभी बच्चे हमें आंसर बोलें, कोई ऑब्जेक्ट अगर टॉप से बॉटम पे रोल कर रहा है तो बॉटम पे इसका वेलोसिटी लिखें सारे बच्चे, मैं स्लाइड अभी नहीं दिखा रहा हूँ, टॉप से बॉटम पे अगर कोई पार्टिकल आता है तो बॉटम पे वेलोसिटी लिखें सारे बच्चे, बॉटम पे वेलोसिटी लिखें, जब पार्टिकल टॉप से बॉटम पे पहुँचेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा। बस बेटा 10 मिनट की क्लास और है, ओनली 10 मिनट की क्लास और है। टॉप से बॉटम पे अगर पार्टिकल आएगा तो उसका वेलोसिटी, गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा।
अंडर रूट टू जी एच अपान वन प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, अंडर रूट टू जी एच अपान वन प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। बिल्कुल एकदम सही बेटा। एक्सीलरेशन कितना होगा बच्चों, जब ये बॉटम से टॉप पे आएगा तो एक्सीलरेशन कितना होगा, सबका यहीं पे तैयारी भी हो जाए। जब पार्टिकल बॉटम पे आएगा तो वेलोसिटी बराबर टू जी एच अपान वन प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर का अंडर रूट होगा। एक्सीलरेशन कितना होगा जब वो बॉटम पे आएगा, जब बॉटम पे आएगा तो एक्सीलरेशन बच्चों, हाँ बिल्कुल वेरी गुड, सभी बच्चों का सही है। जब बॉटम पे आएगा तो एक्सीलरेशन कितना होगा बच्चों, बॉटम पे आएगा तो एक्सीलरेशन कितना, यस बॉटम पे आएगा तो एक्सीलरेशन जी साइन थीटा अपान वन प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, जी साइन थीटा अपान वन प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। बेटा जब ये टॉप से बॉटम पे आता है तो समय का के और आर से क्या रिलेशन होता है, जब पार्टिकल टॉप से बॉटम पे आता है तो एक्सीलरेशन सब बच्चों ने एकदम लिख दिया जी साइन थीटा अपान वन प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। बच्चों जब ये टॉप से बॉटम पे आता है तो समय का के और आर से क्या रिलेशन होता है, टॉप से बॉटम तक पहुंचने के समय का के और आर से क्या रिलेशन होता है, टॉप से बॉटम का, टॉप से बॉटम, हाँ अच्छा टाइप करने में टिपिकल है बेटा, ओ वेरी गुड, याद है हमारे बच्चों को टाइप करने में टिपिकल है, चलो कोई बात नहीं। वेलोसिटी सारे बच्चों ने टाइप कर दिया अंडर रूट टू जी एच अपान वन प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। एक्सीलरेशन सारे बच्चों ने बता दिया जी साइन थीटा अपान वन प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। समय देखना है बेटा, समय मैंने लिख दिया है टाइम टू रीच एट द बॉटम, मैक्सिमम बच्चों को याद है लेकिन टाइप नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, हमने सबको लिख दिया। अगर बेटा इंक्लिनेशन एंगल अलग अलग होगा तो मैंने थीटा में भी लिख दिया, के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर का भी लिख दिया, जिसका वन प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर ज़्यादा होगा उसका समय ज़्यादा होगा, अगर समय ज़्यादा होगा तो देर में पहुँचेगा, यानी जिस सिस्टम का अंडर रूट वन प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर ज़्यादा होगा वो बॉटम पे देर में पहुंचेगा बेटा, और जिसका अंडर रूट वन प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर कम होगा वो बॉटम पे बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। गुड, सही एकदम बेटा। तो सबको नोट हो गया होगा, सारे बच्चों को फार्मूला याद होगा, हर बच्चा इस रूप में याद करेगा, क्योंकि अगर बच्चों इंक्लिनेशन एंगल अलग अलग कर दिया, एक 30 डिग्री पे बेटा रॉड रख दिया और 60 डिग्री पे रिंग रख दिया और कहेगा कौन पहले पहुंचेगा तो थीटा पे भी डिपेंडेंस हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा, इसीलिए 1/sin θ भी याद रखना इसको, ये पूरा फार्मूला याद करके एग्जाम में जाना, क्योंकि अगर केवल ये याद किए हो तो इसका मतलब सेम इंक्लिनेशन के याद किए हो, खतरा हो सकता है बेटा, इसलिए पूरा मेमोराइज करना। यस चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन खारे बेटा, सभी बच्चे क्वेश्चन को फटाफट खाएं। सभी बच्चे क्वेश्चन करें बेटा फटाफट। कल्पना क्वेश्चन कर बेटा। सॉलिड स्फीयर है, मास 1 kg, रेडियस 10 cm, रोल कर रहा, हाइट 7 cm, वेलोसिटी कितना होगा जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। बी बराबर हो गया अंडर रूट 2gh अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर बराबर हो गया यहाँ से भाई 2 हो गया, जी का मान हो गया 10 हो गया, एच का मान 7 हो गया यहाँ से, और ये बन गया बेटा अपान हो गया 1 प्लस हो गया, सॉलिड स्फीयर है 2/5 हो जाएगा ना, के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर कितना होगा बेटा 2/5 ही होगा। हाँ ठीक है, क्लियर है बच्चों? हाँ हाँ, 10 रुपया देगा 10 m/s। चलो सारे बच्चों का आया 10 m/s। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सॉलिड सिलेंडर है, सावधान, सॉलिड सिलेंडर है, रोल कर रहा है और कह रहा है कि उसका एंगुलर वेलोसिटी अगर इतना है तो रेडियस ऑफ गायरेशन बता दो। सारे बच्चे करें भाई,
एक सॉलिड सिलेंडर है इंक्लाइन प्लेन पे 3 मीटर की ऊंचाई से रोल कर रहा है, बॉटम पे पहुंचा है, तब उसका ओमेगा दिया है बेटा, तो रेडियस ऑफ गायरेशन बता दो। कहीं से पहले बी खरीदो बेटा, जब बी आ जाए तो बी बराबर आर ओमेगा हो जाएगा, बी बराबर आर ओमेगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर पूछा है, रेडियस ऑफ अच्छा समय रेडियस ऑफ गायरेशन लगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर वेलोसिटी निकाल के बेटा बी बराबर आर ओमेगा कर दो। रेडियस पूछा बेटा, रेडियस सॉरी वो मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा, रेडियस बी बराबर आर ओमेगा बेटा, तो आर बराबर बी अपान ओमेगा हो गया, तो ये 1/ओमेगा हो गया आंसर में बेटा, 1/ओमेगा हो गया, अंडर रूट हो गया 2gh/1+k²/r². सॉलिड सिलेंडर है तो k²/r² क्या होगा, 1/2। चलो सारे बच्चों का आंसर आ रहा है √5 ऑप्शन डी। चलें भाई फ्रैक्शन, सभी बच्चों के फ्रैक्शन जबान पे होगा। फ्रैक्शन का दो केस है बेटा, एक हॉरिजेंटल प्लेन पे होता है। अब कोई बच्चा अगर इसको याद करके नहीं गया है तो वहाँ पे रोएगा बेटा। फ्रैक्शन एक बेटा जमीन पर यानी हॉरिजेंटल होता है, एक इंक्लाइन प्लेन पे होता है। तो हॉरिजेंटल का फार्मूला ये है Fr बराबर फ्रैक्शन फोर्स बराबर अप्लाइड फोर्स 1/1+mr² / i है। i क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया है। क्या बच्चों बता सकते हो कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे फ्रैक्शन लगेगा तो क्या होगा, फ्रैक्शनल फोर्स जी साइन थीटा अपान 1+mr² / i हो जाता है। कब, जब इंक्लाइन प्लेन पे होता है तब बेटा। तो फ्रैक्शन हॉरिजेंटल पे याद करना होगा सारे बच्चों को। क्वेश्चन में सिलेंडर रॉड कुछ भी दिया होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया पता होगा, mr² कट जाएगा, संख्या बचेगा बेटा, अप्लाइड फोर्स दिया रहेगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। जरूरत पे अगर कोफिशियंट ऑफ फ्रैक्शन पूछेगा तो Fr बराबर म्यू एम जी होता है बेटा, म्यू का मान निकाल लोगे जब Fr आ जाएगा बेटा। तो सारे बच्चों को याद करना होगा। दूसरा देखो, अगर इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रहा है तो उसका फ्रैक्शन बच्चों mg साइन थीटा अपान 1+mr² / i। दोनों केस को जबान पे याद कर लो कि अगर कहीं इंक्लाइन प्लेन पे है तो mg साइन थीटा अपान 1+mr² / i है। कोई बच्चा टैलेंट इसमें ना दिखाए बेटा कि कैसे आया कैसे होना है, सब एकदम जबान पे करो, अदरवाइज धोखा मिलेगा। 40 सेकेंड का टाइम है बेटा, तो सब कुछ एकदम जबान पे होना चाहिए। ये इंक्लाइन प्लेन का है और ये बेटा हॉरिजेंटल प्लेन का है, दोनों एकदम जबान पे होना चाहिए, क्योंकि नीट की तैयारी कर रहे हैं बेटा, इसलिए सब कुछ पागलों की तरीके से एकदम शॉर्टकट फार्मूले सब आपको आना चाहिए अगर न्यूमेरिकल्स करना है तो बेटा। चले जल्दी से एक क्वेश्चन करें। एक डिस्क है और एक सॉलिड स्फीयर है, दोनों का मास समान है, डिस्क है और सॉलिड स्फीयर है, मास सेम है, सेम रेडियस है, इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रहा है, उनके फ्रैक्शन का रेशियो चाहिए, उनके फ्रैक्शन का रेशियो चाहिए बेटा। तो फ्रैक्शन का इंक्लाइन प्लेन पे अभी हम लोग पढ़े हैं जी साइन थीटा अपान हो गया 1+mr² / i हो गया, जी साइन थीटा सबका बराबर ही है बेटा, तो यहाँ से सीधा क्या बन गया है, सेम इंक्लाइन प्लेन पे है तो क्या हो जाएगा, Fr इनवर्सली हो गया 1+ हो जाएगा mr² / i के हो गया। सबका mr² / i निकाल लो बेटा और आंसर आता चला जाएगा। तो क्या हो गया, अगर हम लोग डिस्क के लिए लें, डिस्क का ले बेटा, तो डिस्क का आई बराबर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ½mr² हो जाएगा, तो ये बन गया mr² / i की अगर बात करें, mr² / i की बात करें तो ये क्या बन जाएगा, mr² / i बराबर 2 बन जाएगा। तो ये हो गया इसका फ्रैक्शन डिस्क का कितना हो गया है, बराबर हो गया है सीधा 1/1+2 बराबर हो गया 1/3 हो गया। ऐसे अगर हम लोग स्फीयर की निकालें बेटा, स्फीयर की बात करें, स्फीयर की बात करें तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा वो 2/5 mr² होगा,
तो इसका एम आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा 5/2, एम आर स्क्वायर अपान आई हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा सॉलिड स्फीयर के लिए हो जाएगा, यानी स्फीयर के लिए हो जाएगा 1/ इनवर्स में नहीं बराबर में ले लिए जी साइन थीटा तो कॉमन है ये बेटा, सबका कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस हो गया बेटा 5/2 हो जाएगा, बराबर हो गया 2/7 हो गया। तो ये हम लोग अगर दोनों को डिवाइड कर दें, ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। तो सारे बच्चे कह रहे हैं कि आंसर सर इसका 7/6 क्या बेटा 7/6 बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन क्या बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन अगर दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो पहले हमारा कौन है डिस्क, डिस्क का पान हो गया बेटा स्फीयर हो गया, डिस्क आ गया है 1/3, चेक करते रहना बेटा, डिस्क आ गया है 1/3 आ गया है और स्फीयर का आ गया है 2/7 आ गया है, तो ये आ गया है 7/6, ऑप्शन फर्स्ट बेटा 7/6 यस ठीक है। चलो हम लोग थ्योरी एक बार हम लोग देख लिए हैं, कल बेटा वर्क पावर एनर्जी का और रोटेशन का जितने क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन तो कि सब क्वेश्चन के आंसर लगभग आपको याद रहते हैं, तो हमारी कोशिश होगी आपको हम नए क्वेश्चन देने के लिए, आपको कल हम नए क्वेश्चन देंगे बेटा, ध्यान से सुने सबको, कल हम नए क्वेश्चन रोटेशन का वर्क पावर एनर्जी का दोनों का कल हम लोग न्यूमेरिकल सेशन करेंगे बेटा, और डाटा लगभग आपको दोनों के याद हैं। और कल पावर के जितने फार्मूले आए थे बेटा, 10 फार्मूले आए थे, कल उसको हम पूछेंगे भी, सारे बच्चे हमको बताएंगे कि कल किसका क्या फार्मूला हो सकता है, ठीक है ना। तो कल एकदम रेडी होके आना बेटा, कल हम लोगों की दोपहर में क्लास होगी क्वेश्चन सॉल्विंग का, तो दोनों क्लास का हम लोग बेटा कम से कम 2 घंटे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ ओके, तो अब बस याद है सारी चीज़ें, कल हम लोग फटाफट क्वेश्चन करेंगे, कोई ऐसा कठिन कोई चैप्टर नहीं है, सारे बच्चों को अब रोटेशन आसान लगता है, कोई ऐसा नहीं कि टिपिकल है, और जो टिपिकल है वो यहाँ आता नहीं है, जो टिपिकल केस है वो यहाँ आता नहीं है। एक बच्चे ने क्वेश्चन हमसे पूछा था बेटा, बच्चों ध्यान से देखो, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, कल मैं इसको कराना था इसीलिए मैंने लिया नहीं, ध्यान से देखो, एक बच्चे ने मेरे पास ग्रुप में क्वेश्चन भेजा था कि एक ऐसे बेटा, एक ऐसे रिंग बना हुआ है या डिस्क कोई स्फीयर कुछ भी है, और ये रॉड था, ये रॉड था, और इसके सीजी से एक्सिस पास हो रहा था, तो पूरे सिस्टम का एमआई बताना है। तो कल बेटा इस क्वेश्चन को हम लेके, वो बच्चा अगर क्लास में है तो सुन रहा होगा बेटा, इसीलिए मैंने उसको नहीं बताया था कि यहाँ क्लास में सारे बच्चों को बता देंगे कि एक शायद वो डिस्क या क्या था, उससे एक रॉड जुड़ा हुआ था और डिस्क के सीजी से एमआई, सीजी से बेटा एक्सिस पास कर रहा था, पूरे सिस्टम का एमआई पूछा गया था। तो कल हम लोग इसको देखेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का बहुत सुंदर एप्लीकेशन है, ठीक है बच्चों, बाय। तो कल मिलते हैं बेटा, सभी बच्चे तैयारी करके मिलें।